सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के कायदे आजम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से, लेकिन उससे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इनसे बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल दुनिया में पाकिस्तान की एक बेहद खौफनाक और एक खतरनाक किस्म की इमेज है, जिसे देखकर शायद ही कोई पाकिस्तान जाना चाहता हो घूमने के लिए, या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान के बारे में जितनी भी स्टोरीज आती हैं उन्हें पढ़कर कोई इंसान पाकिस्तान के बारे में अच्छी राय नहीं रखता। लेकिन पाकिस्तान का एक दूसरा चेहरा भी है जो कि बेहद प्रोग्रेसिव है। आज के प्रोग्राम में हम उसी चेहरे को तलाशने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में पाकिस्तान के नौजवान अपने मुल्क को कहाँ खड़ा हुआ पाते हैं, वो क्या तब्दीली करना चाहेंगे अपने मुल्क में, उनका दुनिया को लेके एक क्या पर्सपेक्टिव है। तो आए एक एक करके हमारे तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। ये सब या तो पाकिस्तान की कायदे आजम यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद में बेस्ड है उससे पढ़े हुए हैं, या फिर उसके अंदर अभी हाल ही में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है राबिया बुखारी साहिबा ने। आप हज़ारा यूनिवर्सिटी KPK के अंदर लेक्चरार हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के हिस्से के जम्मू कश्मीर से है। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है राबिया जी। हमारे दूसरे मेहमान हैं रिजवान सिकंदर साहब, आप भी कायदे आजम यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के पंजाब से है। प्रोग्राम में आपका भी खैर मकदम है रिजवान। हमारे तीसरे मेहमान हैं अमजद उल्ला साहब, इनका ताल्लुक KPK से है, ये भी कायदे आजम यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हैं, आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू। हमारे चौथे मेहमान हैं उस्मान एजाज साहब, इनका ताल्लुक पाकिस्तान के पंजाब से है, ये भी पाकिस्तान की कायदे आजम यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हैं, आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है। थैंक यू। सबसे पहले मैं राबिया आपसे शुरू करना चाहूँगा और आपसे ये जानेंगे कि आप वेस्टर्न कंट्रीज को किस तरह से देखती हैं। जब कभी भी आप, आई एम श्योर इंटरनेशनल रिलेशंस के आप में से ज़्यादातर सारे स्टूडेंट हैं, मुस्तकबिल के आप पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स होंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। इन दिनों पाकिस्तान के अंदर बात भी चल रही है कि जी एक अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी है जिसकी वजह से एक हुकूमत को हटाया गया एंड ऑल, तो जानना बहुत ज़रूरी है कि वेस्ट के बारे में पाकिस्तान के नौजवानों का क्या नुक्ता नज़र है, आप वेस्ट को कैसे देखती हैं। एक्चुअली हमारी जो परसेप्शन है दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज, जो हम लोगों को हमारा एक लेंस बनता है, हमारे परस्पेक्टिव बनते हैं, वो हम लोग बेसिकली हमारे अपने नहीं होते, हम लोग बोरो कर रहे होते हैं। और अगर हम प्रीवियस नॉलेज की बात करें तो हमारा जो मेजर सोर्स नॉलेज का है वो हमारी हमेशा से जो है ना यूरोसेंट्रिक या हम वेस्ट की तरफ हमारी अप्रोच रही है कि हम वहाँ से नॉलेज और नॉलेज के जो सोर्सेज हैं वो हमेशा वहाँ से हम बोरो करते रहते हैं। तो उससे हमारी जो परसेप्शन है, बेसिक बिल्डअप हमारी परसेप्शन का वहाँ से होता है। तो दूसरी कुछ हमारी नेटिव कंडीशंस हैं जो हमारी जो है परसेप्शन है, हमारी थॉट है, उसको डेवलप करती हैं। तो पर्सनली मैं ये नहीं कह सकती कि ये मेरी ही परसेप्शन है, वो एक कलेक्टिव परसेप्शन भी होती है जो हमारी पर्सनल चॉइसेस को, हमारी पर्सनल थॉट को इफेक्ट कर रही होती है। तो हम दो डिफरेंट एरियाज हैं, वेस्ट हमसे बहुत डिफरेंट है, ईस्ट बहुत डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारी कंडीशंस डिफरेंट हैं, हमारी पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन है उसकी नॉलेज बेस डिफरेंट है, उनकी सिचुएशंस डिफरेंट हैं। तो अगर हम अपना जो हमारा लोकल या नेटिव लेंस है उससे हम इसको देखें तो हमें उसकी एक डिफरेंट एंगल से हम उसको देख सकते हैं। लेकिन जो मेरी पर्सनल परसेप्शन है वेस्ट की, वो हमसे बहुत डिफरेंट हैं। हमें बेसिकली जब हमारा जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है या हम लोग बेसिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का कॉन्सेप्ट है, अपनी सिचुएशन को एक बोरोड परस्पेक्टिव से वैलिडेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कि आपने जो है कि पाकिस्तान की सिचुएशन की बात की है कि कंस्पिरेसी है कि अमेरिका रिजीम चेंज कर दी है, तो कुछ चीजें होती हैं जो रियल होती हैं, कुछ होती हैं जो सिर्फ परसीव होती हैं।
तो हमें बेसिकली जो इसके दरमियान एक बाउंड्री होती है ना, जब वो एक नैरेटिव बिल्डअप हो जाता है तो वो बाउंड्री ब्लर हो जाती है। इस बाउंड्री को हमने क्लियरली हमें देखना बहुत जरूरी होता है। सही। अगर मैं आपसे आसान लफ्जों में ये पूछूं कि वेस्टर्न कंट्रीज की या वेस्टर्न सिविलाइजेशन की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बेहद पसंद हैं, तो कुछ अगर आप गिनवा सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सर, लॉ एंड ऑर्डर, जो एक उनका वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि आप, अब वो 100% तो फॉलो नहीं होता, लेकिन फिर भी जो आपकी स्टेट के अंदर सिटीजन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उनको इंसेंटिव्स देना, उनको एक बेहतर जिंदगी प्रोवाइड करना, जो एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। आई लाइक दैट। ओके, चलें आप ही के सवाल को आई एम श्योर हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं वो भी इस मौजू पे कुछ कहना चाहेंगे, तो ब्रीफली इसी बात को आगे बढ़ाते हुए रिजवान आप बताएं, इसी यही सवाल मेरा आपसे है कि आप वेस्ट को कैसे देखते हैं और उनके मुआशरे की कौन सी चीजें आपको अपील करती हैं? जी बिल्कुल, मैं काफी हद तक राबिया साहिबा से एग्री करूंगा कि वेस्ट अलग है, ईस्ट अलग है, हमारा कल्चर डिफरेंट है। और जो बात आपने की कि वेस्ट की क्या चीज़ें हमें पसंद हैं या कैसे वो डिफरेंट हैं, तो देखें जी, पॉलिटिकली वो हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं। बेशक हम लोग कॉलोनाइज हुए, ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे आया, बट हम अभी भी वेस्ट से पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा पीछे हैं। जो मसाइल वेस्ट के कुछ 100 साल पहले थे वो हमारे अभी भी हैं। मतलब मिसाल के तौर पर नेशनलिज्म का मसला है, रेडिकलाइजेशन का मसला है, इस तरह के मसाइल से वो इन तासुबात से आगे निकल चुके हैं। रीजनलिज्म जैसे वो कॉन्सेप्ट्स की तरफ चले गए हैं, जो बड़ा ही रेलेवेंट होगा अगर मैं कहूँ तो पाकिस्तान और इंडिया के केस में। सार्क हमारा फाल नहीं है और उसको फाल करने की इंतहाई ज़रूरत है, यूरोपियन यूनियन के नक्शे कदम पर चल कर कहें या जैसे भी, बट बिल्कुल जैसे आसियान ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उन्होंने जिस तरह से तरक्की की है उनके मॉडल्स को हमें देखना चाहिए, वो हमसे पॉलिटिकली बहुत ज्यादा आगे हैं। तो जी ये चीज मुझे उनकी बहुत पसंद है। बहुत खूब। अमजद, मैं आपकी तरफ आता हूँ यही सवाल लेके, आपने अगर कुछ ऐड करना हो इसी ये जो बातें राबिया जी ने की हैं और रिजवान साहब ने, तो उसमें आप अगर कोई इजाफा करना चाहें तो प्लीज। जी अरुण साहब, आई वुड लाइक टू ऐड कि पाकिस्तान और अमेरिकन की साइड की जो बात हो रही है कि वी आर डिफरेंट, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यू नो वी हैव बीन, दे हैव बीन थ्रू दिस स्टेजेस दैट वी आर यू नो करंटली गोइंग ऑन। पाकिस्तान में जो अभी हो रहा है, अमेरिका या जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वेस्ट में, उसमें ऑलरेडी ये चीज़ें एक्सपीरियंस हो चुकी है, रिलीजियस वार्स और उसके अलावा मतलब जितने भी ट्रेडिशनल सोसाइटी का जो कंसेप्ट है पाकिस्तान में। अगर आपने जो फर्स्ट आपकी क्वेश्चन थी कि कंसेप्ट आप किस तरह से देखते हैं वेस्टर्न को, वेस्टर्न मेरे परसेप्शंस वेस्टर्न के बारे में क्या है, आई थिंक मतलब पाकिस्तान एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है, यहाँ पर एकेडेमिया का, रिलीजियस जितने भी इंस्टीट्यूट्स है उन्होंने जो कंसेप्ट बनाए हुए है, हम मेरी अपनी जो एक एक्सेस है टू दी वेस्टर्न लिटरेचर जो इंग्लिश है, जितने भी उसके रिसोर्सेज है उसको मेरी तो एक्सेस है, आई परसीव देम वेरी डिफरेंटली, क्योंकि यू नो द रूल्स इन डिसेप्शंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, जितने भी उन्होंने मिडल ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका में उन्होंने जो भी रोल अदा किया, यू नो दैट इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन एंड यू नो टू हैव देयर ओन कंसेप्शन ऑफ देयर सेल्व्स, कि वो खुद को किस तरह से देखते हैं इस चीज़ के बारे में, दे हैव यू नो परसीव्ड देमसेल्व्स एज द यू नो फ्लैग बियरर ऑफ द सिविलाइजेशंस। पाकिस्तान में जो एक कलेक्टिव परसेप्शन यहाँ पर बनी हुई है, यू नो दैट इज ट्रेडिशनली हियर मॉडर्निटी जो अमेरिकन या जो वेस्टर्न कंसेप्ट है दैट इज इक्वेटेड मोर विद द सब्जुगेशन, मोर विद द यू नो जो यू नो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो वेस्टर्न कंसेप्शंस ऑफ लाइफ है वो उससे ज़्यादा इक्वेट किया जाता है, एंड इट इज़ नॉट परसीव्ड एज अ गुड थिंग स्पेसिफिकली यू नो इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, बिकॉज मॉडर्नाइजेशन की वो ट्रेंड अभी तक यहाँ पर आ ही नहीं गई है। And I think, you know, that, you know, in the coming decades, in the coming, eras, we will more be like civilization we are adopting, because modernity is expanding itself. So hum usse, you know, we are imitating them and we will have, you know, we'll have to achieve that stage of political, you know, civilization and culture and all these things. You know, it's more about the modernity, kis tarah se ye expand ho rahi hai.
जी जी आपने सब्जुगेशन की बात की, थोड़ी इसकी वजाहत करें कि आपके मुआशरे में ऐसा देखा जाता है कि वेस्ट के अंदर जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है या जिस तरह की सोसाइटी है उसमें सब्जुगेशन है? जी मैं ट्रेडिशनल पाकिस्तान, कोशिश करें कि अगर उर्दू में बात करें ताकि एक हर इंसान जो है ना हिंदुस्तान पाकिस्तान को समझ पाए आपकी बात को, बड़ी मेहरबानी होगी। जी जी मैं ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात कर रहा था कि पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जो रूरल एरियाज, फॉर एग्जांपल मैं अपने खुद की बात अगर करूँ, मैं फाटा से बिलोंग करता हूँ, देयर जो गर्ल्स हैं स्पेसिफिकली उनको नहीं जाने दिया जाता स्कूल में, मतलब दे हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड, एक स्पेसिफिक जो प्राइवेट डोमेन है उसमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। मॉडर्निटी का मैंने जो बात की सब्जुगेशन के साथ इक्वेट करते हैं, मॉडर्निटी फॉर एग्जांपल आप पब्लिक स्पेस में लेके आना दैट इज़ मॉडर्निटी, उसको आप वो करते हैं कि दैट इज़ अमेरिकन की ये एक वो है खुद को अपने इम्पोज कर अपने वैल्यूज को अपने नॉर्म्स को जो अमेरिकन सिस्टम है यू नो द कंसेप्शन ऑफ द लाइफ वो उसको इम्पोज कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो यू नो दैट इज मोर रिलेटेड विद द काइंड ऑफ एसोसिएटेड विद द यू नो ट्रेडिशनल सोसाइटी इन पाकिस्तान जो रूरल एरियाज है स्पेसिफिकली नॉट द मिडिल क्लास। आपकी सोच क्या है, ये एक आवाम की सोच हो सकती है कि जी वो अपनी वैल्यूज को हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ अमजद जो कि एक पाकिस्तानी नौजवान है उस खत्ते से आते हैं वो क्या समझते हैं, क्या वो ऐसा कर रहे हैं वेस्ट अपनी वो इम्पोज कर रहे हैं अपनी अपनी वैल्यूज को? आई डोंट थिंक सो मैंने जो अभी बात की वो स्पेसिफिकली कलेक्टिव एक मेंटेलिटी जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में पाकिस्तान में पाया जाता है, मेरी अपनी सोच ये है कि डेवलपमेंट एक प्रोग्रेशन है, एक प्रोग्रेस की तरफ, सिविलाइजेशन जितने भी डेवलप हुए हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन उन्होंने इन चीज़ों के थ्रू ही खुद को डिवेल्प किया है, एक यू नो प्रोग्रेसिव सिविलाइजेशन खुद को बनाया है, सो आई थिंक वी शुड अडॉप्ट दैट थिंग्स। पाकिस्तान में जितनी भी सोसाइटीज है एक मॉडर्निटी का स्पेसिफिकली सोशल मीडिया के दौर में यू नो दैट थिंग्स शुड बी एक्सपेंडेड मोर टू दैट यू नो फार फ्लंग एरियाज ऑफ द पाकिस्तान, एंड आई थिंक मॉडर्निटी इज अ गुड थिंग दैट यू नो दैट हैज डेवलप्ड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जी जी बहुत खूब, मैं उस्मान साहब आपकी तरफ आता हूँ, यही सवाल आपसे है। देखें एक ही सवाल की हमें कितने सारे शेड्स ऑफ ओपिनियन मिल रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज को आप किस तरह से देखते हैं, उनके मुआशरे की कौन सी चीजें आपको पसंद हैं? थैंक यू अरविंद, पहले तो आपने मुझे मौका दिया बोलने का, और जो मेरे से पहले जितने भी मेरे सीनियर्स हैं तीनों ही वो बोले बहुत अच्छा बोले, आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। जो मैं वेस्ट को देखता हूँ, वेस्ट और ईस्ट और फिर खसूसन पाकिस्तान को लेके जब कंपेयर करता हूँ, तो मैं वेस्ट को इंस्टीट्यूशंस की नज़र से देखता हूँ, उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेल्फ वो अकाउंटेबल हैं और फिर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर हम कॉलोनीज में और जो कॉलोनाइजर्स थे अभी, तो अगर इनमें डिफरेंस देखें तो मेरे ख्याल से वो इंस्टीट्यूशंस का डिफरेंट आता है। तो फिर यही जो इंस्टीट्यूशंस हैं नीचे के लेवल के ऊपर नॉर्म्स और वैल्यूज़ को बिल्ड करते हैं, तो वेस्ट जो है उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोग्रेसिव हैं। अब जब मैं वर्ड एक प्रोग्रेसिव यूज़ कर रहा हूँ तो ये वेस्ट की पूरी मेंटेलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। किस तरह से, लाइक हम अगर पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट देख लें, अगर हम प्रोग्रेसिव होते तो हम इसको सॉल्व कर चुके होते, अगर सॉल्व नहीं तो एटलीस्ट हम इसको मैनेज कर चुके होते या कर रहे होते, या हमारी अप्रोच मैनेज करने की होती। बट हम क्या कर रहे हैं, हम उस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर डोमेस्टिकली पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जो लीडरशिप है वो उसको कैश कर रही है। तो ये आपकी लीडरशिप की मेंटेलिटी का डिफरेंस आता है कि वेस्ट की लीडरशिप एक इशू को किस तरह से देख रही है और हमारी लीडरशिप किस तरह से देख रही है। तो अगर हमारी लीडरशिप प्रोग्रेसिव होती तो हमने जिसे रिजवान भाई ने बात की रीजनल कनेक्टिविटी का, अगर अभी हम फिनोमेना देखें तो पाकिस्तान इंडिया और फिर बांग्लादेश यहाँ पे बहुत अच्छी और वर्केबल रीजनल कनेक्टिविटी हो सकती है। दूसरी चीज़ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो बहुत वायबल है दोनों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए, बट वो यहाँ पे नहीं है। तो इन इश्यूज को जब लेके हम देखते हैं वेस्ट के अंदर, तो उन्होंने अपने ऐसे इश्यूज रिजॉल्व किए हैं। अब यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का कॉन्फ्लिक्ट देख लें, अभी भी उनका कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट वो उनका डिस्प्यूट क्या, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेके हम अपनी ट्रेड को रोक लें। उन्होंने अपनी उस डिस्प्यूट को अपनी इकोनॉमी के ऊपर
इफेक्ट नहीं होने दिया। अगर अब पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड हो जाए, पाकिस्तान इंडिया की वीजा रिस्ट्रिक्शन, माफ करें मैं आपको रोक रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि बाकी डिबेट्स की तरह ये डिबेट कोई भारत पाकिस्तान की डिबेट बन के रह जाए। मेरी कोशिश है कि आप लोगों का एक जो पर्सपेक्टिव है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, उसको कैप्चर करें, बाद में दुनिया की पहले बात कर लेते हैं, फिर अपने घर पर भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको अगर मैं ये कहूं, अगर दो तीन चीजें बता दें कि आपको वेस्ट की कौन सी पसंद है, फिर हम आगे बात को बढ़ाते हैं। जी, मैं एक्चुअली आपको जो एक पॉइंट या एक जो चीज आपने पूछा मुझे पसंद है, मैं कंपैरिजन करके आपको बताना चाह रहा था, वो ये है कि उनकी जो प्रोग्रेस करने की मेंटेलिटी है, जिसको रिजवान भाई ने अमजद भाई ने मॉडर्निटी कहा, तो वो बहुत अच्छी है। उसको हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच भी कह सकते हैं, एक ये। और दूसरा, मैंने आपको कहा कि जो मैं समझता हूँ कि वेस्ट के अंदर एक काफ़ी स्टार्क उनकी क्वालिटी है, वो है उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, उसको हम लॉ एंड ऑर्डर भी कह सकते हैं, फिर हम उसको उनका जस्टिस सिस्टम भी कह सकते हैं। फिर अगर देखें वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान बाउंड्रीज क्रिएट हो चुकी हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। हर इंस्टीट्यूशंस अपने दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए जो काम करता है, वो एक उनकी जो क्वालिटी, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके जी, बहुत खूब। तो अब तक के जितने भी आपके ओपिनियंस आए हैं, उसमें से एक बात बिल्कुल वाजह हो गई है कि आप कायल हैं उस मुआशरे की जो एक आज़ाद तरक्की पसंद सोच है उसके, वहाँ के इदारों के, वहाँ के वेलफेयर सिस्टम के, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के, और आप चाहेंगे कि ये तमाम चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं पर आपके मुआशरे में भी हों, हिंदुस्तान के अंदर भी। मैं भी चाहूँगा कि अगर कोई हमारे अंदर कमी है तो वो भी बेहतर हो। अब सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान बना दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे, कि जी हम जो हैं एक सेपरेट आइडेंटिटी हैं इस बड़े सगीर में, इसलिए हम एक अलग कौम हैं और एक उसी के बेसिस के ऊपर ये मुल्क की जो है फाउंडेशन रखी गई। तो इस तेज़ी से बदलती हुई दुनिया के अंदर, जहाँ पे सोसाइटीज़ बहुत ही ज़्यादा मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल हैं, पाकिस्तान खुद को कहाँ खड़ा हुआ पाता है? मसलन बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, अगर आप पॉपुलेशन के अगर आप कंपैरिजन में देखें तो इंडिया से कहीं ज़्यादा परसेंटेज है पाकिस्तानीज की जो कि बाहरी मुल्कों में आबाद हैं। इतनी आबादी हिंदुस्तान की बाहर नहीं रहती परसेंटेज के हिसाब से जितनी पाकिस्तान की रहती है। उनसे अगर आप कभी बात करें तो वो यही पूछेंगे, वो यही कहेंगे जी हम यहाँ पर बहुत खुश हैं, यहाँ की सेकुलरिज्म हमें बहुत पसंद है, यहाँ पर इक्वालिटी जो दी जाती है इंसानों को वो हमें बेहद पसंद है। तो एक सवाल तो खड़ा होता है कि इस ग्लोबल एज के अंदर पाकिस्तान के नौजवान कहाँ देखते हैं अपने मुल्क को, कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं राबिया इस सवाल की। सर, पाकिस्तान थोड़ा सा तेज बोले ताकि आवाज खुलकर आए। जी, जहाँ पे हम पाकिस्तान को देखते हैं ना सर, हम जो है वो बेसिकली इस एक जो हमारी सोसाइटी है बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है, ओवरऑल वर्ल्ड की सोसाइटी की बात कर रही हूँ, कि जो एक हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी है वो बड़ी फास्ट पेस पे उसकी जो तरक्की है उसके ट्रेंड्स बड़े फास्ट हैं, और हम लोग वो उन ट्रेंड्स के साथ ना मैच नहीं कर रही हमारी प्रोग्रेस, हमें उनके साथ चलने की ज़रूरत है। ठीक है, गलतियां हर किसी से होती हैं, माजी हर किसी का होता है, हर सोसाइटी का होता है, हर स्टेट का होता है, लेकिन हम अगर उन्हीं पैटर्न्स पे चलते रहेंगे, उन्हीं रास्तों पे चलते रहेंगे, तो हमें आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। हमने अगर अपनी स्टेट एंड सोसाइटी को बेहतर करना है तो हमें जो एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव ट्रेंड्स हैं उनके साथ जो है वो बराबर चलने की कोशिश करनी है। थोड़ा आसान लफ्जों में बताएं, एक आम आदमी भी समझ पाए, कौन सी ट्रेंड्स की आप बात कर रही हैं जिन्हें आप समझती हैं पाकिस्तान को दुनिया के साथ चलने की जरूरत है? पहली तो हमारी जो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, दूसरी अपनी इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करना है, अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाना है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, आप वेलफेयर की बात कर लें, हेल्थ की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, जो वो बुनियादी चीज़ें जो एक इंसान को बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए चाहिए। देखिए, हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि हमें पॉलिटिक्स को बेहतर करना है, हमने स्टेट को बेहतर करना है, लेकिन इसमें ना जो एक आम इंसान है वो दरमियान से ना निकल जाता है। जब हम बड़े आइडियाज़ की बात कर रहे होते हैं तो
हमें स्टेट को उस लेवल पे जाके बेहतर करने की जरूरत है जिसमें एक आम इंसान की बेहतरी हो सके। पाकिस्तान आज कहां खड़ा है इस ग्लोबल एज के अंदर? अगर हम ग्लोबल एज की बात करें तो हम अभी बहुत बॉटम है, हम फॉलो कर रहे हैं लेकिन हम अभी बहुत नीचे हैं। ठीक है, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हैं। रिजवान भाई, आप ये बताएं, जो बातें राबिया जी ने की हैं, अगर आप से मैं ये सीधा सीधा पूछूं कि वेस्ट के सोसाइटीज में एक गुंजाइश है कि वहां पे तकरीबन 200 नेशनैलिटीज के लोग रह सकते हैं, क्या पाकिस्तान में गुंजाइश है कि हम हर किसी को हमारे यहाँ पे कोई अगर आके रहना चाहे अपने कल्चर के साथ, अपनी जो भी उनकी उनकी रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनको उनके साथ, अपनी ईटिंग हैबिट्स के साथ, इन तमाम चीज़ों के साथ में क्या पाकिस्तान के अंदर दुनिया के बाकी नेशनैलिटीज़ के लोगों के आकर रहने की गुंजाइश है? नहीं अरविंद, मैं समझता हूँ कि अभी तक हम उस स्टेज पर नहीं पहुँचे हैं, हम अभी तक बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर ही ऐसे तासुबात पाए जाते हैं जहाँ पे हमारे अपने शहरी जो अकलियतें हैं उनको तहफ़ नहीं मिलता है। तो व्हाट टू टॉक ऑफ ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन के वो यहाँ पे आके रहें, मतलब विजिट के लिए या सैर के लिए आना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आके अगर यहाँ पे मुकीम होना या रिहाइश पजीर होना वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि उसके ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं। हमारी अकलियतों के साथ हम कोई ज़्यादा अच्छा रवैया नहीं रखते हैं, भले वो नेशनलिज्म की बुनियाद पर हो या मजहबी बुनियादों पर हो। तो मेरा ये ख्याल है कि हम लोग अभी तक उतने एडवांस नहीं हैं, हमें मजीद समझने की पढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम इतने अकोमोडेटिव हो सकें कि इस ग्लोबल दौर के साथ हम कदम चला मिलाकर चल सकें। तो ऐसा क्या करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को कि वो इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस कर सके? जी, मेरा ख्याल है सबसे बेहतरीन टूल तो एजुकेशन होता है, तालीम हमें मतलब प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पर ही हमें ये चीज़ें और रवादारी को हमें आम करना चाहिए, फ़रोग देना चाहिए, सो दैट के दूसरे लोग भी जो हैं वो इंसान ही हैं। मतलब उस दिन मैं आपके साथ बात कर रहा था कि मेरी क्लास के अंदर कुछ अफगान भाई पढ़ने के लिए आए थे स्कॉलरशिप पर, तो उससे पहले मुझे मेरा जो तासुर अफगानों के बारे में था वो बड़ा ही अजीब था कि ये दहशत गर्द हैं या क्या, बट वो आई फाउंड देम थॉरो जेंटलमैन, वो बहुत अच्छे लोग थे। तो इसी तरह अगर स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम्स हों और हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिले तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो यूथ है ये फ्यूचर में हम लोग ऑफिसेज में बैठेंगे बड़े और फिर वहाँ से हम पाकिस्तान की पॉलिसी को शेप करेंगे। तो मेरा ख्याल है अगर इस जनरेशन को हम ये चीज़ें सिखाएंगे तो अगले 10-15-20 सालों में हमें ये चीज़ें बड़ी बेहतर देखने को मिलेंगी। जी, आपने पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ की बात की, मैं जब कभी भी अक्सर पाकिस्तान के लोगों से बात करता हूँ, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से, और उनसे ही जब ये सवाल पूछता हूँ कि क्या पाकिस्तान के अंदर तमाम शहरी जो पाकिस्तानी हैं क्या उन्हें बराबर के हुकूक हासिल हैं, तो उनका यही जवाब होता है कि जी हाँ बिल्कुल हैं। आप क्या समझते हैं अमजद, क्या तमाम पाकिस्तानी जो हैं उनको बराबर के हुकूक हासिल हैं? जी अरुण साहब, मैं दो बातों का आपको बताना चाहूँ कि आप पहले जो आपने बात की कि नेशनलिज्म पाकिस्तान का जो ओरिजिन जहाँ से हुआ कि पाकिस्तान बिल्कुल हिंदू मुस्लिम यूनिटी और उसके कंसेप्ट पे जिस तरह से डिवाइड हुआ कि ये एक साथ नहीं रह सकते, तो पाकिस्तान में जो करंटली जितने भी मसाइल आई थिंक चल रहे हैं, तो आप वेस्ट को अगर हम कंपेरेटिव पढ़ लें हम इस चीज़ को, तो वेस्ट में जिस तरह से नेशनल स्टेट का कंसेप्ट आया हुआ है दैट इज़ मोर यू नो काइंड ऑफ उन्होंने बिल्कुल एक सिस्टमेटिक अप्रोच इस चीज़ को किया हुआ है कि पहले नेशन स्टेट, फिर स्टेट बिल्डिंग, फिर पर्सनैलिटी बिल्डिंग, उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से इस चीज़ को बिल्डअप किया। पाकिस्तान में यहाँ पर यह बना, पाकिस्तान में स्टिल योर क्वेश्चन वाज के मतलब माइनॉरिटी को हासिल है उनका राइट्स या नहीं, वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है। मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के तमाम शहरी जो हैं वो बराबर के शहरी हैं? जी, अकॉर्डिंग टू द लॉ दे आर इक्वल, लॉ के मुताबिक वो बिल्कुल बराबर के शहरी है, सबको एक जैसे हकूक हासिल है, वोमेन माइनॉरिटी जितने भी सिटीजन है पाकिस्तान के उनको एक जैसे हकूक हासिल है। लेकिन पाकिस्तान के अगेन आई वुड से कि पाकिस्तान में देयर इज़ दिस डिफिसिट, ये एक गैप यहाँ पर पाया जाता है कि जो ट्रेंड्स यहाँ पर आ गए हैं दे डू नॉट मैच विद द ग्रास रूट जो रियलिटीज़ है, रियलिटीज़ आर डिफरेंट।
रियलिटी डिफरेंट है और जो ट्रेंड्स आ गए हैं कि माइनॉरिटी राइट्स या जितने भी वेस्टर्नाइज कंसेप्ट थे वो आ गए, उनके दरमियान वो सोसाइटी इस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं है कि उस चीज़ को अभी इम्प्लीमेंट कर ले। तो आई थिंक कि सोसाइटी के लेवल पर अगर ये आप जिस तरह से कहा कि माइनॉरिटी राइट्स अगर उनको लेके आना है, लॉ ने ऑलरेडी प्रोटेक्शन दी हुई है, सिर्फ मसला ये है कि सोसाइटी क्रॉस रूट लेवल पर इस चीज़ को किस तरह से लेके आए। दैट इज़ कि आप सोसाइटी Exactly. Okay. आप सोसाइटी को किस तरह ग्रास रूट लेवल पर किस तरह से इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, आप पहले सोसाइटी को इम्प्लीमेंट कर ले। देयर इज अ डेवलपमेंटल थ्योरी इन एकेडेमिया पॉलिटिकल साइंस, डेवलपमेंटल थ्योरी में ये कहते होते हैं कि आपने सोसाइटी में पहले होल्स देखने होते हैं, वैक्यूम्स देखने होते हैं जिसको आप फिलअप कर सके। तो सोसाइटी में पाकिस्तान की जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, अगेन आई वुड मेंशन ये ट्रेडिशनल सोसाइटी, आप उसको जो होल्स मिल रहे हैं आपको, आप मॉडर्निटी के जहाँ भी वो होल्स मिले उसको फिल अप कर दे मॉडर्न मीन्स के थ्रू। आप उसको प्रोटेक्शन हो माइनॉरिटीज़ की या आप कोई भी और मॉडर्न कंसेप्ट्स हो, आप उसको सोसाइटी को इस चीज़ के लिए ग्रास रूट लेवल पे प्रिपेयर करके दे कैन बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि अल्लाह ने तो ऑलरेडी इजाज़त दी हुई है। जी, काफ़ी दिलचस्प आपने पॉइंट रखे हैं, आप ही की बातों को हम आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। उस्मान साहब, क्या आपके नज़दीक पाकिस्तान का आईन वहाँ के तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक देता है? जी जी, जिस तरह अमजद बहन ने बात की, बिफोर द लॉ एवरीवन इज इक्वल हियर, और सबको बराबर के हुकूक हासिल हैं हर किसी को। और अगर हम कायदे आज़म की स्पीच भी हम लें 1948 के अंदर, तो जो माइनॉरिटीज़ के बारे में कहते हैं उससे भी ये जाहिर है कि हर किसी को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाज़त है जिस तरह से वो चाहे। तो बट ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो कुछ मुख्तलिफ हो सकती हैं, और वो हमेशा से मुख्तलिफ रही भी हैं, और इवन के वेस्ट के अंदर भी हमें ऐसी प्रैक्टिस देखने को मिलती हैं। अगर हम रिसेंटली UK के अंदर देखें तो जो उनका कुछ हमें केसेस मिले टुवर्ड्स एशियन कम्युनिटीज़, तो वो भी हम देख सकते हैं कि उनका लॉ तो ये नहीं कहता बट प्रैक्टिस जो थी वो थोड़ी डिफरेंट हो गई थी कोविड के दौरान, जो हमें, मैं उसकी तरफ रेफर कर रहा हूँ, जो कोविड के दौरान कुछ केसेस देखने को हमें मिले थे चाइना के कुछ लोग थे उनकी तरफ, और पाकिस्तान के और इंडिया के, ओवरऑल एशियन और साउथ एशियन कम्युनिटी की तरफ। तो लॉ जो है वो तो इक्वल राइट्स देता है, बट जो प्रैक्टिस है वो कुछ मुख्तलिफ हो सकती हैं, वो हैं, और उसकी सेवरल रीजंस हैं। जी, क्या आप चारों में से कोई ऐसा है जो ये समझता है कि पाकिस्तान का आईन जो है वो सबको बराबर की नजर से नहीं देखता? कोई इक्वलिटी इज इंश्योर्ड, जितना हमने पढ़ा है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को। हाँ, अहमदी कम्युनिटी को उन्होंने इस एंगल से आइसोलेट किया हुआ है थोड़ा कि दे आर कंसीडर्ड, दे आर, यू नो, मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन एज नॉन मुस्लिम्स, बाकी यू नो दे आर द इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड दे हैव द, यू नो, एक्सेस टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज। दे शुड नॉट बी, यू नो, दे क्लियरली मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन दैट दे शुड नॉट बी, यू नो, डिस्क्रिमिनेटेड ऑन देयर रिलीजन एंड देयर दिस बेसिस, यू नो, ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट, दैट इज द एक्सेप्शन। वही बात इंप्लीमेंटेशन का मसला है, नहीं As far as the constitution is concerned, उसके मुताबिक तमाम शहरी बराबर के शहरी हैं। राबिया, आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? अरविंद, मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक हमें बुनियादी बात बताता है, वो कहता है कि जी हमारा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वो मुसलमान होने चाहिए। जी, तो फिर अब माइनॉरिटीज को तो वो इक्वल राइट नहीं दे रहा है ना कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो अगर आपके मुल्क के शहरी हैं, आप उनको बराबर का हक दे रहे हो, तो उनसे एक तो स्टार्ट में ही आप एक हक ले लेते हो कि आप प्राइम मिनिस्टर या सदर नहीं बन सकते, उसके लिए आपको जो आपका फर्स्ट क्लास सिटीजन है वो होना जरूरी है। तो फिर इम्प्लीमेंटेशन की बात तो बाद में आती है ना, बाद में आती है। जी, कैसे तो देखेंगे इस बात को अमजद और उस्मान? आप, राबिया ने, मैंने जवाब नहीं दिया है, आपकी अपनी ही एक फेलो दोस्त ने दिया है। जी, आई वुड रिस्पॉन्ड पाकिस्तान की जो, जिस तरह से स्टार्ट में बिल्कुल आपने बात की कि आइडियोलॉजिकल बेसिस अगर आप देखें तो उसकी डिवीजन आप देख ले, वो मुसलमानों ने हिंद के ऊपर थी, यू नो, दे आर द सेपरेट रिलीजन, दे हैव सेपरेट प्रैक्टिसेस,
वो अलग होना चाहिए और ऐसे मुल्क बनाना चाहिए जहाँ पर इस्लाम और इसके तौर तरीके की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। तो आइडियोलॉजिकल बेसिस की जब हम ओरिजिन को सर्च कर रहे होते हैं तो आई थिंक दैट इज़ यू नो द राइट, वी आर नॉट अ सेक्युलर स्टेट, हम सेक्युलर स्टेट नहीं। आप इक्वल राइट्स की या इक्वल प्रेसिडेंटशिप की या प्राइम मिनिस्टरशिप की तब बात करते हैं व्हेन यू आर अ सेक्युलर स्टेट। हमारी बेसिस ही आइडियोलॉजिकल रूट्स में पड़े हुए, आइडियोलॉजिकल रीजंस में पड़े हुए हैं। तो वी कैन नॉट क्लेम दैट इट मस्ट हैव प्रोवाइडेड। आप ये कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है इसलिए इक्वालिटी की तो बात की ही नहीं जा सकती, इक्वालिटी तो सेकुलर मुआशरे में ही देखी जा सकती है, इज दैट राइट? तो फिर डोंट यू थिंक कि आप अपनी पहली बात को खुद ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं जिसमें आप ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान का आईन तो बराबरी देता है सबको लेकिन मसला इम्प्लीमेंटेशन में है। जी साहब, मैंने स्टार्ट में जो बात की थी यू नो दैट इट वाज ऑन सोसाइटी लेवल, कि सोसाइटी लेवल में किस तरह से इस चीज़ को देखा जाता है। एक एक प्राइम मिनिस्टरशिप की आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक उसको देख ले, रेशो को देख ले कि माइनॉरिटी कितनी है, ऑलमोस्ट 2-3% माइनॉरिटी है, बाकी 97% आपकी मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो आप 2% पॉपुलेशन को रूल, मेजॉरिटी रूल, डेमोक्रेसी इज मेजॉरिटी रूल। तो जितने भी फिलासफर्स आप उठाए तो वहाँ पर इस मुआशरे में इस तरह से देखा जाता है कि मेजॉरिटी जो है, और मैंने अगेन इस बात को रिपीट करूँगा कि आइडियोलॉजिकल बेसिस इस्लामिज्म के ऊपर है, पाकिस्तान इस्लामिक बेसिस के ऊपर आया है। तो एक ऐसे पोजीशन के ऊपर जहाँ पर वो बिल्कुल रूल करे पूरे सोसाइटी को, वो लॉ बनाए, वो मार्क्स जिस तरह से कहता है कि जो स्ट्रक्चर होता है, एक सुपरनेचुरल स्ट्रक्चर होता है, वो क्रिएट कर रहा होता है, that, you know, I personally think that should be allowed, but given the basis of you know the society jahan se hum trace kar rahe hain wo possible nahi hai is tarah ke muashre mein ki aap is tarah ki position maaf kare main aapko rok raha hu, maaf kare main aapko rok raha hu, jab aapne ye keh diya ki 97% ke kareeb musalman hain to aur aapne kaha democracy is the game of numbers at the end of the day, to usme kisi gair muslim ka चुनकर उन पोजीशंस पर जाना तो वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाएगा जमहूरियत के तकाजे से देखें तो। फिर ऐसी भी क्या इनसिक्योरिटी, फिर तो आपके पास एक और वजह बन जाती है कि हाँ भाई दे दो, हम 97% हैं, जिस दिन हम कोई 50% पे आ गए ना फिर सोचेंगे इसको रिवाइज करने की या कुछ और, कि ताकि इक्तदार हमारे हाथ में रहे। एज लॉन्ग एज आप 97% हैं आपको तो कोई खतरा होना ही नहीं चाहिए, इनसिक्योरिटीज होनी नहीं चाहिए, क्या कहेंगे रिजवान आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन फिर बात वहीं पे आके रुक जाती है कि हम लोग अभी तक उतने एडवांस नहीं हुए हैं। हमने वेस्ट को देखकर और ये फ्रीडम्स और ये चीज़ें हम लोगों ने अपने आइन के अंदर इनकलकेट तो कर दी हैं, बट अभी तक हम उस स्टेज पर नहीं पहुँचे हैं और वो वाली सारी स्टेजेस हमने अबूर नहीं किए हैं जो वेस्ट ने अबूर करके तो यहाँ पर वो एक डिवेलपमेंट के फेज से होके तो पहुँचे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें मजीद अभी कुछ टाइम लगेगा, और जैसे कि कहा जाता है कि जमहूरियत के अंदर जो है वो देर है अंधेर नहीं है, तो हो सकता है अगले चंद एक सालों में जो है तो हम लोग भी उतने एडवांस हो जाएं, बट ये है कि ये एक ट्रांजिशन के पीरियड से हम लोग गुजर रहे हैं तो कुछ टाइम तो जरूर हमें दरकार। अगर मैं किसी ओवरसीज पाकिस्तानी से जाके पूछूं कि आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, न्यूजीलैंड कैसे लगते हैं आपको ये मुआशरे, और क्या इन मुआशरों की सबसे खूबसूरत बात है, तो वो यही कहेंगे कि जी हम यहाँ बराबर के शहरी हैं, एज फार एज द लॉ ऑफ द लैंड इज कंसर्न्ड, यहाँ के कोई भी वो किसी भी किस्म की कोई तफरीक नहीं करता किसी भी शहरी के अंदर। अब वो बात अलग है कि चूंकि आपकी आबादी ही अगर 1% या 2% है तो आप प्राइम मिनिस्टर या प्रेजिडेंट कैसे बनेंगे, लेकिन फिर भी उसमें कम से कम गुंजाइश होनी चाहिए कि कोई खड़ा होना चाहे और इंसान में काबिलियत हो तो आइन उसे रोके ना, आइन उसे रोके ना। ज्यादातर पाकिस्तानी से जब मेरी बात होती है ओवरसीज पाकिस्तानी से तो वो यही कहते हैं जी कि हमें यहाँ का सेकुलरिज्म बहुत पसंद है, तो फिर मैं ये उनसे पूछता हूँ क्या पाकिस्तान को भी एक सेकुलर मुल्क हो जाना चाहिए, तो वो कहते हैं नहीं 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 पाकिस्तान हमें इस्लामिक चाहिए। तो पाकिस्तान आपको इस्लामिक चाहिए, और अंग्रेजों के मुल्कों में जहां कहीं भी आप रहते हैं पूरी दुनिया के अंदर यूरोपियन सिविलाइजेशन के लोग जहां बसते हैं वहां आपको सेक्युलरिज्म चाहिए, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों? सोहेल वड़ाए साहब कहते हैं ये तो खुला तजाद है, आप क्या कहेंगे उस्मान साहब? अभी
शुक्रिया अरविंद, आपने मौका दिया। अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले हमारी एक क्लास हो रही थी डेमोक्रेटाइजेशन एंड अथॉरिटेरियनिज्म। तो हमारे प्रोफेसर है, वो ये कह रहे थे कि, उनकी मैं एक बात कोट करूँगा, कि हम रिलीजियसिटी पे बिलीव करते हैं बट खुद रिलीजियस नहीं है। हम ये तो चाहते हैं कि यह माहौल जो है, पाकिस्तान जो है, वो बड़ा इस्लामिक हो, और जो हमारा हुक्मरान है बड़ा इस्लामिक को हाथ में तस्बीह पकड़ता हो, बट खुद जो है रिलीजन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये वही चीज़ जो आपने कहा कि पाकिस्तान तो उनको इस्लामिक चाहिए, और वहाँ वो कह रहे हैं कि हमें सेकुलरिज्म वैल्यूज जो है वो बहुत अच्छी लग रही हैं। तो ये वाकई कॉन्ट्राडिक्शन एग्जिस्ट करती है। तो वो इस वजह से है मेरे ख्याल में कि हमारा जो मेंटल स्कीमाज हैं, हम जब पैदा होते हैं यहाँ पे, तो जो हमें लिटरेचर पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान स्टडीज हम पढ़ते हैं, तो हमें यही सुनने को मिलता है जो आपने भी कहा कि दो कौमी नज़रिया, और वो नज़रिया यही कि मुस्लिम हिंदू और इस्लाम के बेस पे हम बने। अमजद भाई ने भी रेफर किया कि आइडियोलॉजी का यहाँ पे फर्क आता है कि हम जब ये स्टेट करते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम स्टेट है और इस्लाम के नाम पे बना है, तो फिर हम जैसे हमारी ब्रिंगिंग हो रही होती है अडल्ट्स टीनेज और सारी जब एज ग्रुप्स जो है वो हम यही पढ़ते हैं कि इस्लाम के नाम पे बने, इतनी कुर्बानियां दी, ये सब कुछ हुआ, तो फिर ये चीज़ वहां से बिल्ट हो जाती है। एक्सपेक्ट फिर ऑटोमेटिकली करना चाहिए कि हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान को इस्लामिक होना चाहिए, बट जब यहाँ पे रियलिटीज देखते हैं, ग्राउंड रियलिटीज, फिर हम एस्पायर क्या करते हैं कि यार हम एक सेकुलर कंट्री के अंदर जाएं। अब हर किसी का ख्वाब ये है, मेरा भी यही है, जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स हैं ये भी हैं कि हमने USA जाके पढ़ना है, UK जाके पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, फ्रीडम है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ से जन्म लेता है। जी, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी निशानदेही आपने अभी की कि पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना है। अगर पाकिस्तान का मतलब यही है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर एक सवाल ये उठेगा कि पाकिस्तानी होने का मतलब क्या है? तो मैं तो ज़ाहरी तौर पे एक ही इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि वही जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन हो। अगर पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो पाकिस्तानी होने का मतलब ये है कि जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन हो। क्या आप में से कोई इस बात से नाइतफाकी रखता है कि नेचुरल अगर हम देखें तो यही इसकी जो है कोई हम डेफिनेशन बना सकते हैं? तो फिर वो शख्स जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन नहीं रखता, तो क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? तो जब ये सवाल मैं पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स के सामने रखता हूं, तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर वो कहते हैं ये कैसी बात कर रहे हैं आप। मैं उनसे सीधा सीधा ये पूछता हूं कि यहाँ बहुत सारे 40-50 लाख के करीब हिंदूज हैं जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन नहीं रखते। यहाँ मसीह बिरादरी की इतनी ही पॉपुलेशन है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन नहीं रखती। यहाँ पे सिख भी हैं, तो फिर उनका क्या किया जाए? जी आप बताएं रिजवान साहब। जी मैं जो इस चीज को देखता हूँ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो तारीखी तौर पर नारा लगता रहा है तकसीम हिंद के वक्त से ही, तो मेरा ये ख्याल है कि उस टाइम के जो हमारे लीडर्स थे या जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने इस चीज़ को आइडियलाइज किया था कि हम कोई इस्लामी रियासत बनाएंगे, हम इसको इस्लामी असूलों के मुताबिक चलाएंगे। और अगर हम इस्लामी असूलों की एसेंस के अंदर जाएं, तो वहाँ पे हमें किसी न किसी हद तक बराबरी और ये चीज़ें मिलती हैं। गो के हमने फिर पाकिस्तान का नाम जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया, जो कि अपने नाम के अंदर ही बहुत ज्यादा मुतजाद है, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक जो है उसमें सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, इस्लामिक स्टेट के अंदर, सॉरी, और जो रिपब्लिक है उसके अंदर सोवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ द स्टेट। तो ये बहुत ही मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी सी एक चीज है। तो मेरा ख्याल है कि उस टाइम बुजुर्ग जो है वो ये चाह रहे थे, जो उस टाइम के लीडर्स थे, कि हम इस्लामिक लाइंस के ऊपर इस मुल्क को जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन हम शेप करेंगे। जैसे कायदे आज़म जो हमारे लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक मोहम्मद असद नाम के स्कॉलर थे, उनको वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि उन्होंने मुझे कहा था कि आप एक मुसविदा तैयार करें और थोड़ी स्कॉलरली रिसर्च करें ताकि हम पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामी बुनियादों के ऊपर बनाएं। ये मोहम्मद असद साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखा है।
बहुत सारे लोग इस चीज से इतफाक नहीं करते हैं, वो कहते हैं कायदे आजम एक सेकुलर स्टेट चाहते थे और वो बेसिस बनाते हैं उस कायदे आजम के बयान को। जी जी एग्जैक्टली, जैसे उस्मान ने अभी अभी कोर्ट किया था उसको, तो उस चीज को बेसिस बनाकर कहा जाता है कि वो कुछ सेकुलर स्टेट। तो इस्लामिक स्टेट के अंदर भी तो मंदिरों में और मस्जिदों में और चर्चेस के अंदर जाने में वो आजादी उनको हासिल थी, अगर इस्लामी स्टेट को हम देखें तारीख में जाकर, जो अगर कोई सही मानों में इस्लामी रियासत रही है। तो डॉक्टर इसरार अहमद, जो कि पाकिस्तान के लीडिंग स्कॉलर रहे हैं इस्लामिक, उनका नजरिया तो ये है कि माइनॉरिटीज जो हैं वो सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे रहेंगी, उनको जजिया देना पड़ेगा, वो हमारे ताबे होंगे, तो फिर बराबरी की बात तो ना हुई। जी बिल्कुल ऐसी है, बराबरी तो यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करेगी। और जो इस्लामिक स्टेट में कर सकती है बराबरी? नहीं जी, ट्रेडिशनली इस्लामिक स्टेट के अंदर बराबरी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, उसके अंदर जो नॉन मुस्लिम है उसको जजिया देना होगा, और उसके सिवा वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है और जो वो शूरा बनेगी, जो कमेटी होगी जो अपना अमीर मुकरर करेगी, तो वो भी मुस्लिम मेंबर्स से उससे कॉम्प्राइज करेगी, मुस्लिम मेंबर्स होंगे उसके, तो वो अपना अमीर या खलीफा जो है उसको वो मुंतखब करेंगे। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे बराबरी तो नहीं है। तो फिर ये जो एक कॉन्ट्रडिक्शन है, तजाद है कि जी एक मुसलमान माइनॉरिटी में जब हो तब वो सेकुलरिज्म पसंद करता है, जब वो मेजॉरिटी में चला जाए तो वो सेकुलरिज्म को एक गाली समझता है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ आपको, शायद आप रिलेट कर पाएँ इस बात से और शायद हमारे लोग भी समझ पाएँ। 2019 में जब हिंदुस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस हुए और बीजेपी दोबारा जीत कर आई, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो है एक तरह की कैंपेन चलाई कि जी इस मुल्क में अब डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, यहाँ सेकुलरिज्म खत्म हो गया है। तो मैंने एक प्रोग्राम में, तो कोई तकरीबन हजारों की तादाद में हिंदुस्तानी मुसलमान थे, उनसे एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि क्या आप हिंदुस्तान को एक सेकुलर मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं? तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में जवाब दिए, हाँ जी हम देखना चाहते हैं, मतलब आप सेकुलरिज्म को अच्छा समझते हैं। मैंने कहा यहाँ आप सेकुलरिज्म को बड़ा अच्छा समझते हैं और बड़ा इसको प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ भी सेकुलरिज्म हमें चाहिए उसके लिए चिल्ला रही होती हैं, हमें सेकुलरिज्म दो, हमें सेकुलरिज्म दो, आप यहाँ पर इसके नारे लगा रहे हैं, तो क्यों ना हम एक अलग मुल्क बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर एक अलग मुल्क बनाते हैं जहाँ पर हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को डालते हैं और उनके साथ पाकिस्तान के अंदर भी जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी दबी पिसी हैं, उन्हें भी सेकुलरिज्म चाहिए और उनको भी उस मुल्क में डाल देते हैं। अब चूंकि मुसलमान जो हैं वो 25 करोड़ हैं, आबादी में सबसे ज़्यादा होंगे और पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ तो ले दे के 1 करोड़ होंगी, तो जाहिर सी बात है आइन बनाने की जिम्मेदारी भी हिंदुस्तान के मुसलमानों के कंधों पर डाली जाती है। तो मैंने उनसे पूछा, अब ये बताएं अपने दिल पर हाथ रख के, आइन सेकुलर होगा या इस्लामिक? तो उनका जवाब आई गेस आपको इसमें क्या हो सकता है या क्या वो कहेंगे ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए समझना। सबका जवाब यही था ज्यादातर लोगों का कि वो तो इस्लामिक होगा। तो फिर ये तो एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, आप तो एक तरह से खुद फिर मौका दे रहे हैं दूसरों को कि वो आपके ऊपर उंगली उठाएं। मसलन हिंदुस्तान में आज हिंदू राष्ट्र की बात होती है, आप लोगों ने भी खबरों में देखा होगा कहीं ना कहीं, राष्ट्र का मतलब हिंदी में नेशन होता है। तो अगर मैं न्यूजीलैंड के अंदर बैठ के ये कहूं कि जी आई सपोर्ट द आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र, तो मुझे पहला काम तो ये करना चाहिए कि अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस हिंदुस्तान चले जाना चाहिए, क्योंकि जिस मुआशरे में मैं बैठा हूं और जिस निज़ाम को मैं पसंद करता हूं वो दो अलग अलग चीजें हैं। और जब इतना बड़ा आपकी जिंदगी में तजाद हो तो फिर किस हैसियत से आप ऐसे मुआशरे में रह सकते हैं? अब तक मैं ये समझता था कि इंडिया से न्यूजीलैंड तक का जो सफर है वो मेरे लिए कोई ज्यादा मुश्किल भरा नहीं था, मोर और लेस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी जो वैल्यूज हैं वो सारी सेम ही हैं, तो एडजस्ट करना मुश्किल नहीं है। मुसलमानों के लिए एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है गैर मुस्लिम माशरे में, क्या वजह है इसकी? राबिया प्लीज। इसमें ना हम बेसिकली दो बातों को कंफ्यूज कर रहे होते हैं। एक तो जो बेसिक इशू है वो ना कॉन्सेप्ट के साथ होता है कि हम लोग सेकुलरिज्म को, जब हम किसी से भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो जो पहली परसेप्शन होती है वो उनकी होती है एब्सेंस ऑफ रिलीजन। कि सेकुलरिज्म को अगर हम इस तरह से परसीव करना शुरू करें कि एब्सेंस ऑफ रिलीजन नहीं, आपको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की आजादी है,
ईदर यू आर मुस्लिम, आप हिंदू हो, सिख हो, मसीही हो, कोई भी हो, एक तरीका वो है इसको देखने का. लेकिन जो जनरल परसेप्शन है वो ये होती है कि अगर सेकुलरिज्म होगा तो आपका रिलीजन कोई नहीं होगा. जो एक बड़ी कंट्राडिक्शन ये आती है ना, जो फॉर एग्जांपल ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, अभी यहीं पे बात हो रही थी कि वो कहते हैं कि जी हमें यहाँ का सेकुलरिज्म तो पसंद है लेकिन पाकिस्तान को इस्लामिक होना चाहिए. तो यहाँ पे बेसिक कंफ्यूजन यही आ रही होती है कि दो, अगर आप कहते हो कि सेकुलर हो गया तो रिलीजन खत्म हो जाएगा, तो रिलीजन, उनका रिलीजन क्या खत्म हो गया जब उनसे कोई पूछे कि आप अमेरिका जाने के बाद में क्या मुसलमान नहीं रहते? जी यही मसला आता है ना कि वो कहते हैं कि ठीक है हम यहाँ पे, हमें सेकुलरिज्म है, हम अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो ये बदयानती है, ये बदयानती है या फिर एक ऐसी चीज है कि जिससे वो बाहर निकल नहीं सकते कि दे हैव टू हैव, ये ना सिर्फ बदयानती है, ये मॉरल बदयानती भी है और इंटेलेक्चुअल बदयानती भी है कि आप अपने लिए कोई और वैल्यूज देखना चाह रहे हो और जो कुछ और लोग हैं, जो आपके तबके के लोग हैं, उनके लिए आपके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं. क्या ये जरूरी है कि एक मुल्क अगर बना इस्लाम के नाम पे हो तो सारी जिंदगी वो कोई मिड कोर्स करेक्शन नहीं कर सकता, उसे उसी उन्हीं उसूलों के ऊपर चलना पड़ेगा जिसके ऊपर वो बना है? तो क्या उसमें कोई गुंजाइश होनी चाहिए? मुल्क तो इवॉल्व करते हैं, ह्यूमन बींग्स इवॉल्व करते हैं, सोसाइटीज इवॉल्व करती हैं. हम कब तक ये कहेंगे कि जी इस बुनियाद पे मुल्क बना था इसलिए हमें तो ऐसा ही होना है, हम जब प्लीज. जी अरुण साहब, आई थिंक मैं पर्सनली ये सोचता हूँ, पहले जिस तरह से बात हुई कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जितनी भी बाहर है कि वो सोचते हैं कि पाकिस्तान को एक इस्लामिक मुल्क रहना चाहिए, आई पर्सनली थिंक जितने भी पाकिस्तान के एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है वो ये कभी भी नहीं सोचेंगे कि पाकिस्तान एक मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन हो, जिसमें एक इस तरह की सोसाइटी हो जहाँ पर इक्वालिटी ना हो. हर पाकिस्तानी जो इंटेलेक्चुअल है वो यही सोचेगा कि पाकिस्तान एक सेक्युलर स्टेट हो जहाँ पर सबको आज़ादी हो, फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, जस्टिस इंश्योर्ड हो. दूसरी बात जो आपने की रिलीजन को पाकिस्तान में स्पेसिफिकली अगर पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में देखा जाए, रिलीजन को एक्सप्लॉइट किया गया हुआ है इसमें, ना सिर्फ पाकिस्तान के अपने जो एलीट तबका है बल्कि इंटरनेशनल जो एक्टर्स हैं स्पेसिफिकली ईरान एंड सऊदी अरेबिया, उन्होंने इस चीज़ को पाकिस्तान में एक्सप्लॉइट किया हुआ है. 1980s में ज़िया के दौर में पाकिस्तान में जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मदरसास बने हैं, दे वर यू नो द प्रोजेक्ट ऑफ यू नो फॉर स्पेसिफिक पॉलिटिकल गेंस. अभी भी आप इमरान खान को या जितने भी करंट पाकिस्तान के पोलिटिकल लीडरशिप है वो इस चीज़ को पर ज़्यादा जोर देते हैं कि हाउ मच यू नो दे आर इस्लामिक. वो इस्लामिक टच का सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी इमरान खान, जिसमें कह रहा होता है इमरान खान का एक वो होता है साथी होता है जिसको जलसे में कह रहा होता है कि इस्लामिक टच देना. इस्लामिक टच यू नो इट डजंट मीन कि एक छोटी चीज़ है, दिस थिंग हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड नॉट बाय आवर इंटरनल पोलिटिकल लीडरशिप बाय एक्सटर्नल एक्टर एज वेल. 1980s में वहाबिज़म सऊदी अरेबिया की तरफ से और शियाइज्म ईरान की तरफ से एक कंपेटिटिव स्ट्रगल यू नो कंटिन्यूअस है. वो एक तारीख है, मेरे ख्याल से हम में से सारे उसमें उससे वाकिफ हैं. सवाल ये है कि हम इससे आगे कैसे बढ़ेंगे. सवाल ये है कि हम अगर जानते हैं कि गलत है, आपने एक्नॉलेज कर दिया एंड आई गेस हर कोई यहाँ पे आपकी बात से मुत्तफिक होगा, तो फिर हम यहाँ से आगे कैसे बढ़ें? जी आई थिंक आगे जाने के लिए हमें इंटरफेथ हारमोनी प्रोग्राम मुनक्द किए जाने चाहिए और एक मतलब मैं अगेन उस बात के ऊपर जाऊँगा कि आप जब सोसाइटी को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं करते, आपकी जो प्राइमरी से लेके जो सेकेंडरी तक एक एजुकेशन सिस्टम है वो इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि इस्लामियात के जो आपके रिलीजियस कोर्सेज है वो कब तक और किस तरह पढ़ाने चाहिए. तो आई थिंक एकेडेमिया में एंड यू नो जितने भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसके ऊपर और इंटरफेथ हारमोनी प्रोग्राम इस तरह के इवेंट्स करके वी कैन मेक अवर सोसाइटी ज़्यादा हम उसको हारमोनी. ये तो बहुत गुड़ी गुड़ी बातें कर दी हैं आपने जना, इंटरफेथ हारमोनी और ये बड़ी अच्छी लगती है ना बड़ी, बट डोंट यू फील कि ये एक लफाजी है? मैं उस्मान आप ही को ये बात यही सवाल पूछता हूँ, ये कुछ ज़्यादा जो है बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं लगती है बातें ना, ऐसा लगता है कि एक रेटरिक है और ये बड़े सालों से हम सुनते आए हैं.
आप क्वेश्चन को रिफ्रेज करेंगे दोबारा? जी, मेरा सवाल ये है कि जो बात अमजद ने की कि जी हम ये जो हमारे यहाँ पे बराबरी का जो आंसर है मुआशरे में लेकर आए, तो कैसे लेकर आए? इन्होंने तो बहुत सारी बातें कर दी जी, इंटरफेथ हार्मनी करें, सोसाइटी को धीरे धीरे इवॉल्व करेंगे एंड ऑल. 75 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम. एक सोसाइटी को अगर पता है कि यार हम स्टक हो गए हैं हर लिहाज से, आप मुआशी एतबार से ले लें, आप समाजी तौर पर ले लें, आप ये देखें कि पाकिस्तान का पासपोर्ट देख लें दुनिया में, इसी साल की अगर आप हैनलीज पासपोर्ट इंडेक्स उठा के देखें तो पाकिस्तान का पासपोर्ट चौथे नंबर पे दुनिया में सबसे बुरा पासपोर्ट है. सबसे नीचे अफगानिस्तान है, उसके बाद जो है इराक है, सीरिया है, फिर पाकिस्तान है, यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान जैसे मुल्कों के पासपोर्ट पाकिस्तान से बेहतर हैं. डोंट यू फील इट्स अबाउट टाइम कि थोड़ी सोल सर्चिंग की जाए? देखिए, आपने बात की बराबरी की, तो पहले भी आपने जब सवाल किया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो लॉ है वो तो बराबरी के हकूक देता है. हाँ, लॉ नहीं देता, राबिया ने कह दिया, लॉ तो नहीं देता बराबरी. जी, वो प्रेसिडेंट वाला पॉइंट उन्होंने उठाया, ठीक है, वो तो बहुत आगे की बात है. नहीं, उससे वो तो बहुत पहले की, वो तो आई गेस वही तो बात है. अगर आप किसी मुल्क में जाएं और आपको ये पता हो कि यार मुझ में काबिलियत शायद ना हो लेकिन अगर मेरे बच्चों में काबिलियत है, जैसे अमेरिका में जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो वो नर्स जाके कहती है कि कांग्रेचुलेशन, द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैज बॉर्न. That is what they say to each and every child, है ना? तो वो क्या वो गुंजाइश है कि किसी हिंदू के या किसी किसी मसीह सिख के या इनके बच्चों को आप कह सकें जाके? वो फिर बराबरी तो नहीं हुई ना? इसके लिए तो फिर पूरा कोर्स ही रिवर्स करने की जरूरत है. ठीक है, आपके ये सवाल का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मैं बजाय कि किसी कवर के पीछे हेड करूं, इसके लिए तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनली रिविजिट करने की जरूरत है ना अपने आप को. ठीक है, अगर आप दूसरी तरफ बराबरी की बात करें सोसाइटी के अंदर जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो मेरे ख्याल से अगर अभी हम देखें सिंध की तरफ, मिट्टी में और दूसरे इलाके जहाँ पे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज रह रही हैं, तो वो बहुत पीसफुल रह रही हैं. मेरे इलाका जो है हुजरा शाह मुकीम डिस्ट्रिक्ट. सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं जी, मैं आ रहा हूँ. जी जी, आपने बराबरी की बात की थी, मैं वही कह रहा हूँ. अगर हुजरा शाम की मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है और भी मुख्तलिफ शहरों में क्रिश्चियन कम्युनिटीज रहती हैं, तो बहुत पीसफुल रह रहे हैं सब. हाँ, अगर कहीं ना कहीं एक दो तीन हमें इस तरह वाक्य मिलते हैं जो कि हर सोसाइटी के अंदर देखने को मिलते हैं, हमें इंडिया में मिल सकते हैं, हमें वेस्ट के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, उसके ऊपर जो फिर मीडिया का वावेला होता है तो हमें ये लगता है कि जी पाकिस्तान सोसाइटी बहुत ही बुरी है, कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते, टॉलरेट नहीं करते एक दूसरे को. बिल्कुल ऐसा भी नहीं है. मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा कि पाकिस्तान, मैंने अपनी आंखों से जो देखा है वो पाकिस्तान तो मुझे बेहद खूबसूरत नजर आया है. आप लोग जो हैं उसी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम दुनिया को एक नया चेहरा दिखाने की आज कोशिश कर रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम से, कि पाकिस्तान के बच्चे भी एक ग्लोबल सोच रखते हैं. वो कोई अपने कोई बबल में, कुकून में रहना नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं कि इस तेजी से इवॉल्व होती दुनिया के साथ में उनकी सोसाइटी भी इवॉल्व हो. आप देखें ना आज इस वक्त पाकिस्तान को किस तरह के मसाइल दरपेश हैं. ऐसे में अगर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं हुई तो फिर पाकिस्तान कैसे आगे तरक्की करेगा? सवाल ये नहीं है कि सिंध में हिंदू मुस्लिम किस तरह से रहते हैं या इंडिया में या कहीं पे भी कैसे रहते हैं. माइनॉरिटीज का मसला दुनिया में हर जगह पर है, रेसिज्म भी है. बावजूद इसके सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है As far as the law of the land is concerned, वो discriminate करे या ना करे, सवाल ये है यहाँ पे. आप law की बात करें तो उसका फिर straight forward answer यही है कि हमें अपनी roots और base को revisit करना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर इस वक्त देखें तो मेरे ख्याल में जो political elite है उसकी priorities में ये कहीं भी नहीं आता जो आप बात कर रहे हैं. आपकी नजर में क्या करने की जरूरत है? मेरी नज़र में, मैं सही बताऊं तो इसके ऊपर मेरा कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं होगा, डेफिनेटली मेरी इसके ऊपर इतनी स्टडी भी नहीं है. होना चाहिए वैसे तो, क्यों नहीं होगा? जी नहीं, मैं वही कह रहा हूं. मेरी आप यूएस जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अगर अमेरिका का शहरी होता तो मैं सवाल पूछता आपसे कि अगर आपका आपके कंप्यूटर का मदरबोर्ड ही अगर फॉल्टी है तो अगर आप चाहे जितने मर्जी इधर से उधर उसमें चेंजेस कर लें, अनटिल एंड अनलेस यू डोंट चेंज दैट मदरबोर्ड नथिंग चेंजेस. देखें, सही है, आपने क्वेश्चन किया थोड़ा पर्सनल. मैं
एस्पायर करता हूँ यूएस को, उनके एजुकेशन सिस्टम को और यूके को, तो मैं उसके रिगार्डिंग फिर एजुकेशन के ऊपर मेरा फोकस है, मैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे बात कर सकता हूँ। ठीक है, आपने बात की थी कि जो लॉ की डिस्क्रिमिनेशन है कि एक हिंदू जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता और मुस्लिम बन सकता है, तो मैं वही उसका अर्जी कर रहा था कि वहाँ पे हमें डेफिनेटली विदाउट नो डाउट हमें रिविजिट करने की जरूरत है अपने रूट्स और अपनी बेस को और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। बहुत खूब। मुस्लिम उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी इसी से एक बात ये भी सवाल उठ के आएगा, राबिया किस तरह से देखती हैं, पाकिस्तान अक्सर ये इल्ज़ाम लगाता है कि जी जब कभी भी कश्मीर की बात होती है, देखें जी हमने जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक अल्टीमेटम दिया था ओआईसी को कि हम एक नया ब्लॉक बना लेंगे अगर आपने हमारी कश्मीर पर हिमायत ना की, फिर वो और वो कहते हैं कि देखें जी उनके बहुत सारी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के वो नाम बताते हैं और कहते हैं कि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान के साथ, इसलिए वो उन पर तंकीद नहीं कर सकते। तो फिर सामने से कोई हिंदुस्तानी खड़ा होकर मेरे जैसा कहता है कि आप वीगर मुस्लिम्स जो हैं शिनजियांग के, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या कर सकते हैं चीन की, तो वहाँ पर इमरान खान साहब का जो बयान है कि जी मुझे तो पता ही नहीं है कि ये तो किसी अखबार में नहीं आया है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, और फिर वो कहते हैं देखें जी चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे लिए बड़ा बहुत कुछ उन्होंने किया है, तो वो ठीक है, लेकिन बट आर यू गोइंग टू क्रिटिसाइज देम लाइक यू एक्सपेक्ट द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज टू क्रिटिसाइज इंडिया, क्या आप क्रिटिसाइज करेंगे, हमारे बुरे वक्त में बड़ा काम आया था हमारे, तो ले दे के आप वही बात कह रहे हैं कि भाई आपके इंटरेस्ट उनसे जुड़े हुए हैं इसलिए आप तंकीद नहीं कर सकते, तो फिर मुस्लिम उम्मा की बात करना कहाँ तक जायज है? राबिया प्लीज। पहली बात तो आपने ये की है ना, जो कुरैशी साहब थे उन्होंने ये कहा था कि हम एक नया ब्लॉक बना लेंगे, तो अगर कंसेप्चुअली देखें तो जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी। आपको अगर आपके कोई इंटरेस्ट जो हैं या आपकी बात में कोई बात सुनी नहीं जा रही या उसको प्रॉपर कोई वैलिडेशन नहीं मिल रही, तो आप यहीं से उसको निगेट कर देते हो कि हम तो नया ब्लॉक बना लेंगे। दूसरी बात ये है कि आप ऑब्वियसली जब आप एक ग्लोब की बात करते हो, स्पेसिफिकली जब उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपस में जुड़े होते हैं, तो फिर आप ये देखते हो कि हमारी मार्केट कौन सी है, हमारे किसके साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। वही बात है, हम चाइना को तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हम जो हमसे ज्यादा ताकतवर है, जो हमसे ज्यादा इकोनॉमिक जिससे हम लेते हैं, या जिस फॉर एग्जाम्पल जो हमें इकोनॉमिक टर्म्स में देख लें जिससे हम पैसा लेते हैं, हम उसको गाली तो नहीं दे सकते। तो बड़ी बुनियादी सी बात है। और जहां तक हिंदुस्तान से ताल्लुक की बात है, तो हिंदुस्तान के साथ चाइना का भी तो उतना ही करीबी ताल्लुक है, हम उसको भी तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि चाइना के लिए हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो जब ये बात समझ में आ गई है कि ये दुनिया जो है ये पैसे से चलती है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट से चलती है, जब हम इस बात को एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि भाई एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि योर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो फिर पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पर लाया करता है? रिजवान प्लीज। जी, मैं राबिया की बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। दो बेसिकली दो चीज़ें हैं जो मुल्कों को आपस में जोड़ती हैं, या तीन कर लें आप, कल्चर होता है, सिविलाइजेशन होता है उसका प्राइड होता है, और इकोनॉमी होती है, और फिर रिलीजन होता है। तो अगर हम इस्लामिक ब्लॉक की जो हम बात करते हैं या ओआईसी की कंट्रीज़ की, तो हम बीइंग पाकिस्तानीज़ हम इस्लामिक सिविलाइजेशन का भी हिस्सा हैं, हम इंडियन सिविलाइजेशन का भी हिस्सा हैं। परियंस आर पार्ट ऑफ बोथ परियन सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन, अरब्स अगेन, फिर टर्किक। तो इस तरह से ये क्लैश एक तो आ जाता है। दूसरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे चाइना के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो हम यूगर्स के ऊपर बात नहीं करेंगे। ये बिल्कुल इतना ही सिंपल है, जैसे रशिया ने एक गासिबाना किस्म का जो कब्जा कर लिया है यूक्रेन की कुछ रियासतों के ऊपर, तो उसके ऊपर बहुत सारी स्टेट्स ने अपना रद्द अमल दिया है कि रशिया ने बड़ा गलत किया है या ये ज़ालिमाना एक चीज़ है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारी स्टेट्स जिनके इंटरेस्ट रशिया के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल तनकीद नहीं की है। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो वही वाले मुल्क बड़े जो है अमन के और इन चीज़ों के अलम बरदार और चैम्पियन हमें नज़र आते हैं दुनिया में,
बट सिंस अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं या मिलिट्री एड हमने रशिया से लेनी है तो हम रशिया के खिलाफ तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे. तो मैं मतलब लेट से भारत की मिसाल ले लें तो भारत के बड़े इंटरेस्ट हैं रशिया के साथ, तो रशिया तो ओपनली क्रिटिसाइज सॉरी इंडिया तो ओपनली क्रिटिसाइज नहीं करेगा रशिया को. तो ये बिल्कुल इतना ही सिंपल है कि हम लोग वहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बट यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं. कश्मीर को हम शारग कहते हैं, आप अटूट अंग कहते हैं, बट दोनों मुल्कों के मफादात हैं. हमारा पानी अगर बंद हो जाएगा तो हमारा जो मुल्क है उसमें एग्रीकल्चर, ज़राअत और इंडस्ट्री के जो प्रस्पेक्ट हैं वो बड़े कम हो जाएंगे. तो ये मेरा ख्याल है इंटरेस्ट का एक पहलू है जिसको देखने की जरूरत है. उसके अलावा जो उम्मा है वो भी इंटरेस्ट से चल रही है, उम्मा इंटरेस्ट के ऊपर ही चल रही है. तो ऐसे में पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डोंट यू थिंक कि एक बहुत बड़े ड्रास्टिक शिफ्ट की जरूरत है जो कि हमें देखने को नहीं मिल रहा. अमजद, आप कैसे देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट को जो अभी आपके दो जो है फेलो आपके एलुमनाइज ने दी हैं? जी अरविंद साहब, मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिसी. आपके डोमेस्टिक जिस तरह से आपकी एक इमोशंस होते हैं, परसेप्शंस होते हैं, सोसाइटी में क्या सोच पाई जाती है, उस सोच को आप बाहर प्रोजेक्ट करते हैं. आप दुनिया के साथ रिलेशन बनाते हैं, आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट को परस्यू करते हैं, आप रिलीजियस आपको इंटरेस्ट परस्यू करते हैं. तो पाकिस्तान में अगेन यहाँ पर एक तो हमारे जो इलीट है, जो बिल्कुल बहुत ही पावरफुल इलीट है, बहुत सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशनल या उनके इलीट के इंटरेस्ट के बेस पे ही होती है, ना कि हमारे डोमेस्टिक जो कंसर्न्स है उसके बेस पे होती है. अब यूनिटी की बात की है जिस तरह से राबिया बुखारी ने, उस मुस्लिम उम्मा का जो कंसेप्ट है दैट इज़ अबाउट यूनिटी, वो दैट इज़ नॉट अबाउट यू नो इकोनॉमिक स्फेयर को बिल्कुल टच नहीं कर रहा. वो एक यूनिटी कंसेप्ट है, वो एक पॉलिटिकल टैक्टिक, पॉलिटिकल टोल के तौर पर यूज़ किया जा सकता है कि कश्मीर के ऊपर सॉलिडेरिटी ले ले, ना कि एक मतलब दैट इज़ यू नो अ काइंड ऑफ प्रेशर टैक्टिक्स इन फॉरेन पॉलिसी में आप प्रेशर को इस तरह से यूटिलाइज कर रहे होते हैं कि किसी भी अपने पोलिटिकल गेंस को अचीव करने के लिए. दूसरी बात इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर की गई, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगेन पाकिस्तान, आपने जिस तरह से क्वेश्चन पहले किया था कि कहाँ पर लाई कर रहा है, तो I don't think कि कोई पर्टिकुलर एरिया आप डिफाइन कर ले जहाँ पर टुडेज वर्ल्ड में इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी भी स्टेट के लाई कर सकती है. इट्स अबाउट द ग्लोब, ग्लोबलाइजेशन है, कनेक्टिविटी है. आपकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वो पूरी दुनिया में आपके होते हैं. आपको फॉरेन पॉलिसी इस तरह डिज़ाइन करना होता है कि यू नो आप हर जगह से अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई भी कर ले और इकोनॉमिक गेन भी कर ले. म्यूचुअल जो आपके इंटरेस्ट होते हैं इस तरह से आप इंट्रैक्शन बनाते होते हैं. लेकिन अगेन पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन में जिस तरह से बात की गई कि इंडिया के लिए इस तरह के अगेन कश्मीर इशू के ऊपर एक मसला बना हुआ है कि पाकिस्तान नहीं चाह रहा. पाकिस्तान हालांकि अगर डोमेस्टिक कंसर्न्स को देखे तो यू नो दैट इज़ वेरी वोलेटाइल. अब पाकिस्तान में अभी जब फूड शॉर्टेज जिस तरह से आए, इवन जो अभी कैटास्ट्रॉफ हुआ था नेचुरल कैटास्ट्रॉफ, जिस तरह से डिजास्टर्स आए, नेचुरल डिजास्टर्स क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, जिस तरह से उन्होंने रिलीफ का वो किया हुआ था कि हम इंडिया ने बैक चैनल जिस तरह भी हुआ था कि हम रिलीफ दे देंगे, कुछ असिस्टेंस दे देंगे, मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, पाकिस्तान ने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया. दैट वाज नॉट आवर डोमेस्टिक कंसर्न, हमारे लोगों का वो इशू नहीं था. जिस तरह स्टार्ट में कहा कि फॉरेन पॉलिसी तो उसी बेस पे बननी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो केस नहीं है. पाकिस्तान में वो इलीट इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा सर्व किया जाता है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हमने डाइवर्सिफाई नहीं किया. हमें इंडिया के साथ उस बेस पे रिलेशन रखनी चाहिए जिस तरह से चाइना रख रही है. चाइना में, चाइना और इंडिया के भी तो इश्यू चल रहे हैं सिमिलरली जैसे पाकिस्तान और इंडिया के हैं, लेकिन वो इतने ही इंटेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड, इकोनॉमिक रिलेशन उन्होंने मेंटेन किए हुए हैं. लेकिन पाकिस्तान में वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि पाकिस्तान में सारी पॉलिटिक्स जिस तरह से इंडिया में होती है पॉलिटिक्स, अगेंस्ट पाकिस्तान जो एक नैरेटिव बनाते होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप, पाकिस्तान में भी सेम वही केस है. इंडिया के रिलेटेड आप जितनी अगेंस्ट इंडिया आप पॉलिसीज नैरेटिव्स मैनिफेस्टो बनाएंगे इलेक्शन में, आप उतने ज़्यादा कामयाब होंगे. So I think, you know, that is the thing that we should, you know, keep in mind ke aap domestic concerns ko, domestic aapko kya chahiye hota hai, aap economy ko kis tarah se diversify kar sakte hai, us cheezon ko zehen mein rakhe, na ke aap ek narrow interest
आप एक मतलब ग्लोबलाइजेशन में आप ज़्यादा एनिमी बनाए, ग्लोबलाइजेशन में डेफिनेटली आप एनिमी को ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते, जितने कम होंगे उतनी आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। जी आपने बहुत ही खूबसूरती से इस पूरे के पूरे इशू को सम अप कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई गुंजाइश है कि मैं ये सवाल पर्टिकुलरली इसको आगे एक्सटेंड करूं। बात करते हैं, मैं पाकिस्तान को जब देखता हूं बाहर से तो मैं समझता हूं कि एक फ्यूडल किस्म की एक सोसाइटी है, और जब तक कि इस मुल्क के अंदर बहुत बड़े स्केल पे लैंड रिफॉर्म्स नहीं आते, यहाँ पे कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। और इसी के मुतालिक जब मैं जब कभी भी पढ़ता हूँ उसके हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड को देखता हूँ, तो एक बड़ी शॉकिंग चौंका देने वाली एक हमारे सामने रूलिंग आती है 1990 की, जहाँ पे आपकी तमाम शरीयत कोर्ट्स ने रूलिंग दी, और उन्होंने तो इस जागीरदारी निज़ाम को शरी तौर पर जो है इसे लीगलाइज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई ख़राबी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो जानना बहुत ज़रूरी होगा आज के प्रोग्राम में कि पाकिस्तान के नौजवान इसके बारे में क्या सोचते हैं। जी उस्मान साहब। अरविंद, मुझे इस जो आपने बताया कि शरीयत कोर्ट का ये डिसीजन आया था, इसके बारे में इल्म नहीं है। हाँ, आई डू एग्री कि पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो रिफ्लेक्ट एक फ्यूडल सोसाइटी करती है, और ऐसा ही है सिंध हो या पंजाब हो या बलूचिस्तान हो, हर जगह हमें ये देखने को मिलता है। और आपने जो बात की कि शरीयत कोर्ट्स ने इसको लीगलाइज किया, मुझे इस पर इतना नॉलेज नहीं है, बट आई कैन से कि यहाँ पे पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस का नेक्सस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और जागीरदाराना निज़ाम भी एक इंस्टीट्यूशन की पावर यहाँ पर ले चुका है, ठीक है। वही जो जागीरदाराना लोग हैं वो MNA बन के आके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और उनकी एक लेजिटिमेसी है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनका जो प्रेशर होगा या उनकी जो वो जो लेजिटिमेसी पीपल से लेकर वहाँ से आते हैं, उस प्रेशर की वजह से शरीयत कोर्ट्स ने इसको लीगलाइज किया हो। तो मैं फ़िलहाल तो ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मुझे इस स्पेसिफिक डिसीजन के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। जी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इस जागीरदाराना निज़ाम से अब आज़ाद होने की ज़रूरत है? जो भी लैंड रिफॉर्म्स हैं आज वक्त की ज़रूरत है, उसके बगैर एक बहुत बड़ी सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को आप उनके हक से महरूम कर रहे हैं। ये सवाल मैं राबिया आपकी तरफ लेके जाना चाहूँगा। ऑब्वियसली जब आपकी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन है जो कि रिसोर्सेज पे जिनका कंट्रोल है, तो मैं तो ये कहूँगी कि आप एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन को उनके हक से महरूम कर रहे हो। हमें कुछ चीज़ों को रीथिंक करने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपकी सोसाइटी जो है ना वो एक जिसको आप कहते हो कि सब लोग बराबर हैं, तो सबके पास बराबर की अपॉर्चुनिटी है, तो ठीक है, आप उसमें जितना अपनी मेहनत से इकट्ठा कर लेते हो वो, अगर सबके पास बराबर की अपॉर्चुनिटी थी तो अगर कोई किसी बंदे के पास नहीं आया, कम रह गया, तो इसमें उसकी खराबी है। लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी सेम नहीं है, आपको मौके भी नहीं मिले, तो फिर तो कुछ चीज़ों को रीथिंक करने की ज़रूरत है, और हमें उनको उनका पैटर्न दोबारा से उसको चेंज करने की ज़रूरत है, वरना ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। हमें कुछ चीज़ों को अनलर्न करने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी उस थिंकिंग के साथ चलते रहे तो फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। ट्रू, मैं चाहूँगा कि रिजवान साहब इसी बात के अंदर अगर आपको इजाफा करना चाहें तो करें, उसके बाद हम प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि हिंदुस्तान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और हमें आगे कैसे बढ़ना होगा। जी रिजवान साहब। जी, बहुत ही अहम आपने इशू उठाया है, इसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था लेकिन आपने खुद ही बात कर ली। तो इस मसले के ऊपर कार्ल मार्क्स लिखते हैं ब्रिटिश इंडिया के बारे में कि ब्रिटिश एम्पायर ने बहुत ही अच्छा एक फैसला किया है कि वो उन्होंने जाके तो इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया है, अगर ना किया होता तो ये एशियाटिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और उन चीज़ों में उलझे ही होते, और ये इनको थोड़ा एडवांस्ड सिस्टम देकर जाएंगे और उसके बाद ये राहें हमवार हो जाएंगी सोशलिज्म के लिए। तो बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो फ्यूडलिज्म है वो यूरोप में तो काफ़ी पहले का मतलब तर्क हो चुका है, अभी उसको
कैपिटलिज्म ने टेक ओवर कर लिया है, बट हमारे पास बड़ी ही बदकिस्मती की बात है, हम अपने मुल्क को एग्रीकल्चरल मुल्क कहते हैं लेकिन हमारी जो एग्रीकल्चर की नीड्स हैं वो हम लोग नहीं पूरी कर पाते हैं। व्हाट टू टॉक ऑफ इंडस्ट्री या सरप्लस हम जनरेट करें, हम तो अपना गंदम भी इम्पोर्ट करने की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल जी ऐसे ही है कि जो हमारे जागीरदार हैं या फ्यूडल्स हैं उनके जो सेल्फ इंटरेस्ट हैं वो उसको परस्यू करेंगे। जैसे एक जनूबी पंजाब के हमारे काफ़ी बड़े जागीरदार हैं, तो उनके इंटरव्यू में मैंने सुना था वो कह रहे थे कि यार अगर जाहिर है शुगर केन हमारे लिए ज़्यादा वो है, प्रॉफिटेबल है, तो हम उसको ग्रो करेंगे, हम क्यों दूसरी फसलों की तरफ जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि वो शुगर केन और शुगर बना के तो एक्सपोर्ट कर देना है, बट वीट उगा के तो अपने लोगों को रोटी नहीं खिलानी है। तो मेरा ख्याल है इस सिस्टम का खात्मा होना चाहिए। फ्यूडल्स ही आके हमारे लेजिस्लेशन करते हैं, तो ये इसके लिए बड़ी मतलब रेलेवेंट भी है लेकिन ऑकवर्ड सी मिसाल हो जाएगी कि दूध का रखवाला बिल्ला। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर जाहिर है आवाम जो है वो भूखी मरती है और एक ख़ास जो तबका है उसका फ़ायदा होता है और वो अपने मुफाद के लिए ही लेजिस्लेशन भी करते हैं और जो आम आदमी है वो बिल्कुल उसको रोटी के भी फाके पड़ते हैं। जी, हिंदुस्तान के अंदर भी लैंड रिफॉर्म्स हुए आज़ादी के बाद और पंडित नेहरू का ये मानना था कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो सकते थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग तो एक जमात ही फ्यूडल्स की थी, अगर वो हमारे साथ होते तो हमें कभी भी इस तरह के इकदाम नहीं उठाने देते। उनका एक बड़ा पुराना एक इंटरव्यू है, अगर आपको मौका मिले आप देखना चाहते हो, आई वुड हैप्पीली सेंड यू। अब आते हैं जी एक असल सवाल की तरफ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुक, एंड आई एम श्योर यू हैव अ लॉट टू से अबाउट इट। पर ये है कि हम आज पहली दफ़ा मिले हैं, मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ कि बहुत सारी सेंसिटिविटीज़ हैं हमारे मुल्कों के दरमियान, एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट रहा है। ऐसे में मैं जो है आप लोगों से कोई ऐसे तल्ख सवाल पूछूँ जिसके जवाब आप दें और फिर ये जो बहस है एक अच्छे एंड पे ख़त्म ना हो, इसलिए मेरी ये गुजारिश ये होगी कि इस मसले को जरा आज एक नए जाविये से देखने की कोशिश करें। ये कि जी आपने क्या किया, हमने क्या किया, और इस बहस मुबासे के अंदर पढ़ने का मेरे ख्याल से ना ही तो इतना वक्त है, हमने 75 साल बहुत अपना वक्त जाए ऑलरेडी कर दिया है। एक फैक्ट ये है कि हिंदुस्तान के पास जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसी जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन के पास है और उसी जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है। आज मैं नहीं समझता कि इन तीनों मुल्कों में से कोई भी जंग के जरिए इस एरिया की जो करंट जो भी इसके ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स हैं, पॉलिटिकल बॉर्डर्स हैं, उनको चेंज कर सकता है बाय यूजिंग यू नो वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट और प्रॉक्सी वॉर फॉर दैट मैटर। आज एक बहुत बड़ी खबर आई है अभी पिछले 24 घंटे में कि पाकिस्तान 4 साल के बाद फेटफ से, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बाहर हो गया है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव खबर है। आई एम श्योर ये आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसी के बैकड्रॉप में है जी, कि अब यहाँ से आगे का सफ़र क्या, हम यहाँ से आगे बढ़ें तो कैसे बढ़ें। तो मैं एक एक करके आप सब से आपके दिल में जो भी बात हो वो आप यहाँ पे रखें, हम किस तरह से इस पूरे खित्ते को अमन का गहवारा बनाएं, कैसे हम यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की ही तर्ज पर साख को कामयाब करें। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के डिप्लोमेट्स होंगे, क्या सोचते हैं जी आप? राबिया जी आपसे पहले शुरुआत करते हैं। इसके बहुत सारे सलूशन हो सकते हैं। पहले तो हमें अपनी जो हमारे जहन में ये बात है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं उसको ना निकालना होगा। हमने अभी तक जो चीजें लर्न की हैं उनको अनलर्न करना होगा कि दुश्मनियां लेके ना अब अमन की तरफ नहीं जा सकते हो। अपने जहन में अगर आप किसी से नफरत को पालते हो तो नफरत बड़ी जल्दी बड़ी होती है, तो नफरत को जब तक खत्म नहीं करोगे तो आप कभी बेहतर नहीं हो सकोगे। और दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसी चीजें जो हमें क्वेश्चन करने की जरूरत है। हमने सर जो हमें पढ़ाया गया है, हमारे पास ना एक बैगेज होता है जो हम लर्न कर रहे होते हैं, जो हमारी सोच डिवेलप हो रही होती है वो हमारी सोसाइटी से हो रही होती है, हमारे जो हिस्ट्री होती है उससे हो रही होती है और फिर हमारे पढ़ने से हो रही होती है। तो कुछ बुनियादी चीजें जो हमें ये सिखाया गया है कि किसी को भी कोई पैदा होता है तो उसे ये नहीं पता होता कि हमें इंडिया से नफरत करनी है या हमें पाकिस्तान से नफरत करनी है।
वो नफरत उसको सिखाई जाती है। तो पहला सलूशन तो इसका ये है कि आपने वो नफरत खत्म करनी है, वो चाहे मेरे और आप जैसे लोग हैं, वो चाहे आपका जो ये हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि हम इस स्टेज पे आगे एक दूसरे से इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। तो शायद उसमें आपकी सिचुएशन भी है कि आप न्यूजीलैंड में बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, तो वो एक, क्योंकि जैसे ही कोई बात आती है, कोई इंडिया से आपसे बंदा बात करना चाह रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि वो हमसे क्यों बात करना चाह रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। दूसरा, हम लोगों को, आपको क्या लगता है कि मैं आपसे क्यों बात करना चाह रहा हूँ? मुझे दो दिन पहले एक मैसेज आया था कि इस तरह है, कोई प्रोग्राम है, आपसे बात डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो मैंने खोल के देखा, आपका यूट्यूब चैनल देखा, फिर क्योंकि मेरा ये है कि मैं रिसर्च कर लेती हूँ, बैकग्राउंड रिसर्च की, तो अब मैं इस तरह से हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं, तो मुझे आइडिया था कि ठीक है, बात ही करनी है तो बात कर लेते हैं, बात करके देख लेते हैं कि वो क्या बात करना चाह रहे हैं। तो मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ। दूसरा, आपने बात की यूरोपियन यूनियन की, तो आप अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ना एक पेज पे लेके आओ। जब आपके साथ अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े होते हैं तो फिर आपकी लड़ाई थोड़ी सी पीछे रह जाती है। और अगर सोसाइटी के लेवल पे देखें ना, तो शायद हम एक दूसरे से इतनी नफरत ना करते हो जितनी हम लोग मीडिया में एक दूसरे से नफरत कर रहे होते हैं। जो पोर्ट्रेल ऑफ थिंग्स मीडिया के अंदर है वो बहुत डिफरेंट होती है। पॉइंट स्कोरिंग हो रही होती है, उस पॉइंट स्कोरिंग को हमने थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से देखना है, डिफरेंट नजर से देखना है, उसकी रियलिटी को देखना है। कुछ चीजें रियल होती हैं, कुछ चीजें परसीव्ड होती हैं। तो हमें इस लड़ाई से बाहर आना है कि छोड़ो, लड़ाई बहुत हो गया लड़ते लड़ते। इसमें हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, फिर इसमें कश्मीर भी है। जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई की बात आती है, कश्मीर, लेकिन कश्मीर तो कुछ चाइना के पास भी है, उसकी बात तो हम कभी नहीं करते। बहुत खूब, यू डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं सही कहता हूँ, आप ठीक कह रही हैं। बिल्कुल, कभी नहीं सुना मैंने आज तक ना हमारी तरफ के डिप्लोमेट्स को यूएन जनरल असेंबली के अंदर अक्साय चिन के ऊपर बात करते हुए, कभी नहीं सुना। कभी नहीं। अमूमन होता यह है कि पाकिस्तान की तरफ से चार्जेस लगाए जाते हैं, फिर इंडिया जवाब देता है, फिर पाकिस्तान अपना जवाब देता है, और फिर ये हर साल यही चीज होती रहती है। कोई भी फोरम हो, हम आपस में भिड़ जाते हैं। डोंट यू फील कि हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं, और ये सवाल आपसे है रिजवान, डोंट यू फील कि उन्हें कुछ नया टेबल पे रखना चाहिए? हम कब तक अपने आवाम को, हम, मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कि जब वो एड्रेस कर रहे होते हैं यूएन जनरल असेंबली में या कहीं पे भी, किसी भी यूएन के प्लेटफॉर्म पे, तो वो इस बात का ख्याल नहीं करते। अब जैसे मसलन अभी हाल ही के अंदर वोटिंग होनी थी रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के ऊपर, पाकिस्तान ने चार्जेस लगा दिए हिंदुस्तान के ऊपर, बहुत सारे इल्जाम लगाए कश्मीर को लेके, फिर इंडिया ने उसका जवाब दिया। और मैं ये सोच रहा था कि यार यहाँ पे 200 कंट्रीज और भी बैठी हैं, आर दे एक्चुअली इंटरेस्टेड ऑन कश्मीर और इंडिया पाकिस्तान? उनको तो बुलाया गया है इस एक खास मौजू पर बात करने के लिए। तो अपने डिप्लोमेट्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि हाउ डिसअपॉइंटिंग, ये लोग हमें बार बार, हमारी आने वाली नस्लों को ये फेल कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? जी, मुझे ये लगता है कि 75 साल गुजर गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कहा कि रेपिटिशंस हो रही हैं, हर साल एक ही बात होती है। तो इससे ये चीज़ जाहिर होती है कि शायद दोनों साइड्स इस मसले का हल चाहती ही नहीं है, मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पर खुद। और अगर हम बात करें कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को नॉर्मलाइज कैसे किया जाए, या वो वाली साइड अगर इस सवाल की टच की जाए, तो मैंने कुछ चार पॉइंट्स हैं, पांच, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी, हमें स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम्स को फाल करना चाहिए। मतलब हमारी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम यहाँ से आपकी JNU में या चेन्नई में, मद्रास में, आपकी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जाके पढ़ें। और यकीनन हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स की भी ख्वाहिश होगी कि हमारी भी अच्छी अच्छी कायदे अजम या नस्ट या प्यास में आकर वो तालीम हासिल करें। और तालीम के साथ साथ एक दूसरा पहलू जो कि मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है, वो कल्चर और लैंग्वेज और उधर के लोगों को देखना और जांचना। क्योंकि रिसर्च तो इस मॉडर्नाइज्ड दौर में आप अपने कंप्यूटर पर बैठे कहीं से भी कर सकते हैं,
तो मेरा ख्याल है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पहलू होता है जो यहाँ पे लैक कर रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के केस में अगर हम देखें तो. तो दूसरा जी एक और चीज़ है कि पावर के ऊपर मेरा एक दोस्त मेरे साथ कुछ डिस्कस कर रहा था, उसने कुछ रिसर्च कंडक्ट की थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा. तो वो ये कह रहा था कि सिर्फ अगर हम सार्क में पावर के प्रस्पेक्ट्स को देखें एनर्जी के, तो नेपाल के पास इतने ज़्यादा वाटर के और हाइडल के रिसोर्सेज हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों की जो शॉर्टफॉल है या उसकी जो बिजली की ज़रूरियात है उनको पूरा कर सकता है. तो इससे ये साबित होता है कि हम इस बिजली को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और किसी घर में जो है वो अंधेरा नहीं होगा अगर हम इस तरह के स्टेप्स की तरफ जाएं. तीसरी चीज़ है जी अफगान सिचुएशन. अफगान सिचुएशन में भी हम लोगों ने एक बफर जोन टाइप उसको बनाया हुआ था, या एक साल पहले अगर हम सिचुएशन देखें या आज भी, तो कि भाई इस सार्क में से या साउथ एशिया में से कौन अफगानिस्तान या अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को दो बड़े मुल्कों में से कौन डोमिनेट करेगा. तो अगर हम उनको भी इंटीग्रेट करें और हम उनको डोमिनेट करने की बजाय हम उनके फायदे के लिए दोनों मुल्क काम करें, तो मेरा ख्याल है वहां पे भी अमन आ सकता है और वहां की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो मिनरल्स हैं वहां के और वहां के जो लोग हैं, वहां का जो कल्चर है, वहां से हमें आगाही मिलेगी. तो मेरा ख्याल है हमें वहां पे पॉलिटिक्स इस तरह से करने की बजाय कि यहाँ पे कौन जो है वो चैंपियन होगा या किसकी पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल होगी, तो उसकी बजाय हमें वहां पे अमन के लिए अच्छी कोशिश करनी चाहिए. और तीसरी चीज, चौथी चीज जो राबिया भी कह रही थी कि मीडिया बड़ी हाइप क्रिएट करता है, तो मीडिया के लिए ये खबर मेरा ख्याल है बहुत ही बड़ी खबर होगी कि जी देखें दो मुल्क जो आपस में 75 साल से उनका एक लड़ाई चल रही थी, आज वो देखें किस तरह अमन से रह रहे हैं, या आज देखें उन्होंने किस तरह से इंटीग्रेट कर दिया, देखें किस तरह से लाहौर से अमृतसर लोग जा रहे हैं या मुंबई से लोग इस्लामाबाद पढ़ने के लिए आ रहे हैं या इस्लामाबाद से लोग मुंबई पढ़ने के लिए जा रहे हैं. तो ये भी एक बहुत ही बड़ी खबर होगी इंटरनेशनल मीडिया के लिए कि 75 साल की एक जंग को हमने किस तरह से उसको खत्म कर दिया. तो अगर हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे पॉलिटिशियंस ये अगर सिंसियर एक एफर्ट करें, क्योंकि दोनों साइड के जो पॉलिटिशियंस हैं वो यही बात करते हैं कि जी हम तो अमन चाहते हैं तो भारत नहीं करने देता है, या भारतीय साइड से वो कहते हैं जी हम तो अमन चाहते हैं तो पाकिस्तान नहीं करने देता है. अभी वो बीच में क्या ऐसी चीज आ गई है, जब दोनों ही अमन चाहते हैं तो फिर अमन से बैठें और बात कर लें, बात से बात हो जाए. बट मेरा ख्याल है कि इन रियलिटी लोग अमन नहीं चाहते हैं. तो ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर मेरा ख्याल है गौर करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट अगर हम अभी अमन नहीं देख रहे हैं तो 15-20 साल बाद तो एटलीस्ट ये हमारी अगली नेशन, अगली जो नस्ल है वो डिजर्व करती है कि वो अमन देखे. जी जी बिल्कुल, आपने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए हैं और मेरे ख्याल से हर एक पॉइंट अपने आप में ही हमारे लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है, उन्हें सोचने की ज़रूरत है. खैर मैं दो तीन बातें इसमें ऐड कर दूं. आपने बात की नेपाल से हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स की, तो देखें जी हमारा एक ऑलरेडी एक मंसूबा है टैपी गैस पाइपलाइन का, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया. तो उसको अगर हम आगे उसके ऊपर बात कर सकें, कल को हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, तो इस खत्ते के अंदर जो गैस की शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी. फिर दिलाराम जरांज जो हाईवे प्रोजेक्ट है, वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जिसकी हम बात करते हैं कि हमेशा से एक कनेक्टिविटी की, इंडिया भी बात करता है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी SCO के समिट के अंदर भी ये बात उठाई. तो ये वो हमारे बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का काम कर सकती हैं, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं. और जब एक दफ़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो फिर लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमें किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़ के और जो है कोई आगे अपने आवाम की बेहतरी के लिए बात करनी है. अमजद ने हमें फिर से ज्वाइन किया, इनका कनेक्शन कट गया था. जी अमजद, आपने बात सुनी राबिया जी की, रिजवान भाई की, आप कैसे देखते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात को, कैसे उसमें हमको बेहतरी लाएं? जी अरुण साहब, बहुत सारी बातें आई थिंक जो मैंने सोचा था कि मैं करूंगा वो ऑलरेडी राबिया और रिजवान भाई कर चुके हैं. स्टिल आई वुड ऐड के मतलब कुछ फैक्टर्स है जो मुझे लग रहा है कि वो करके दोनों के दरमियान ताल्लुकात की जो एक बहुत लंबे अरसे से जिस तरह से डिस्टर्ब्ड हुए है उसको नॉर्मलाइज़ेशन के ऊपर लेके आ सकते हैं. उसमें से सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ, जिस तरह पाकिस्तान ने स्टेप लिया हुआ है रिलीजियस टूरिज्म का, लाहौर में जिस तरह करतारपुर कॉरिडोर, CBM एक मजर ही है, लेकिन इसी तरह की एक्टिविटीज़ को रिलीजियस आपके बिल्कुल जो चैनल की है वो है नाम है सरहद के उस पार, जिस तरह से फैमिलीज को कनेक्ट करना,
फैमिलीज को एक साथ लेके आना, वो बहुत अरसे से इस चीज़ को चाह रहे होंगे कि हम सरहद के उस बार भी जो हमारी एक पहचान है यहाँ पर, उसकी जो एक लेगेसी है जहाँ से ये गए थे, उसको हम दोबारा से पाए, उस सब सब की ये ख्वाहिश होती है। तो सरहद के इस पार और उस पार जो सरहद के करीब लोग हैं स्पेसिफिकली, उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ दे के एक परसेप्शन हम बिल्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जिस तरह से राबिया ने स्टार्ट में कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम तारीख से सीख चुके हैं, लेकिन तारीख को हम मिटा तो नहीं सकते, तो रिबिल्ड हम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम अनलर्न करके, बहुत सारी चीज़ों को हम डीकंस्ट्रक्ट करके, हम एक नई परसेप्शन रिबिल्डिंग कर सकते हैं सोसाइटी को, ग्रास रूट लेवल पे, एकेडेमिया के थ्रू, डिफरेंट मीन्स के थ्रू हम सोसाइटी वो चीज़ें करें जिसके अपार्ट फ्रॉम दी पॉलिटिकल जितनी भी हमारी लीडरशिप है, अगर इस चीज़ के लिए वो विलिंग हो। हमने उन्हें फेल तो किया हुआ है, हमारे जितने भी डिप्लोमेट्स है, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, खुद अपने पॉलिटिकल जो उसकी कैंपेन होती है उसी चीज़ को, इसी आइडेंटिटी को जो एक डिफरेंट और एक बिल्कुल जो एनिमी के आइडेंटिटीज बनाई हुई है एक दूसरे की, इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करके जो वोट ले रहे हो, तो उस चीज़ को अपार्ट, अगर हम उस चीज़ से थोड़ा अलग जाके देखें, हमारी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ है उस चीज़ से थोड़ा अलग जाके, अगर सोशल एक हारमोनी को परसेप्शन हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स, एक इंडिविजुअल, एक इंस्टीट्यूशन और एक स्टेट डेफिनेटली एम किरदार अदा कर सकते हैं इस चीज़ में। तीसरा जो एक अहम फैक्टर है, दैट इज़ स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी। स्पोर्ट्स पाकिस्तान और इंडिया, मतलब स्टार्ट से इस तरह दिखाया जाता है जिस तरह कोई जंग हो रही है, दैट इज़ यू नो, स्पोर्ट्स कुड बी यूज्ड एज अ मीन फॉर डिप्लोमेसी, टू प्रमोट हारमोनी, टू प्रमोट यू नो द गुड इमेज ऑफ द अदर स्टेट, यू नो द अपोजिट स्टेट। तो स्टेट को हम क्रिकेट को या स्पोर्ट्स जितनी भी है, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए जिसमें दोनों की एक इंट्रैक्शन हो, पीपल टू पीपल कंटेक्ट। वीज़ा सिस्टम स्पेसिफिकली जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ईजी बनाना चाहिए, वीज़ा को, वीज़ा जो पूरा प्रोसेस है, सिस्टम है, उसको पीपल टू पीपल कंटेक्ट मज़ीद बढ़ाने के लिए इज़ अ गुड थिंग। उसके अलावा रीजनल कनेक्टिविटी के इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को हम देखें तो म्यूचुअल डिपेंडेंसी इज़ अ गुड थिंग, म्यूचुअली डिपेंडेंट होनी चाहिए। इस तरह के प्रोजेक्ट जिस तरह से अभी आपने मेंशन की, जो गैस पाइपलाइन है, जो बाकी जितनी भी है, सार को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल जो उसमें लेवरेज एक दूसरे से ले रहे होते हैं, उसको साइड पे रख के हम सार को एक कल्चरल, एक सोशल और एक पॉलिटिकल मजबूत, हम इकोनॉमिक भी एक बॉन्ड बना सकते हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। सो दिस आर द स्टेप्स दैट आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया के बॉन्ड को मज़ीद बेहतर बनाने में हेल्प दे सकती है। जी, आपने भी बहुत सारे और एडिशनल पॉइंट्स इसमें जोड़ दिए हैं। मेरे ख्याल से अब उस्मान के लिए बहुत कम इसमें स्कोप रह गया वो इस सवाल का जवाब दें, बट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये क्या इसमें और इजाफा करते हैं। प्लीज़, आई एम कीन टू हियर, मेरा दिल कर रहा मैं आप लोगों को सुनता चला जाऊँ। प्लीज़। थैंक यू सो मच अरविंद। अमजद भाई ने, रिजवान भाई ने और राबिया ने सबने वो पॉइंट्स मेरे बोल दिए जो मैं बोलना चाह रहा था, बट हर किसी का किसी पॉइंट को स्ट्रक्चर करने का तरीका डिफरेंट होता है, तो आई वुड ट्राई। मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल आता है मीडिया का, क्योंकि मीडिया एक पावर बन चुका है, मीडिया एक रियलिटी बन चुका है 21st सेंचुरी की। तो उसके जो इफ़ेक्ट्स सोसाइटी के ऊपर हो रहे हैं, हमें अगर हम उनको देखें तो उससे मीडिया के रोल की इम्पोर्टेंस को हम देख सकते हैं। मीडिया को चाहिए कि वो प्रमोट करे कॉमनैलिटीज को रेदर देन डिफरेंसेस, बट यहाँ पे दोनों साइड पे ये हमें देखने को मिलता है कि मीडिया डिफरेंसेस को प्रमोट करके, हेट को प्रमोट करके एक पोलराइजेशन क्रिएट कर रहा है। तो वो जो फिर पोलराइजेशन है, वो हमारा जो हिस्टोरिकल बैगेज है उसको रीइन्फोर्स कर रही है। हमारा हिस्टोरिकल बैगेज जो है वो है जो हमने किताबों में पढ़ा और सुना है, और वो डेफिनेटली वही है कि इंडिया हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है एक दूसरे का। तो फिर जो मीडिया अब जो वो पोलराइजेशन क्रिएट कर रहा है, वो उसके हिस्टोरिकल बैगेज को अनलर्न करने में हेल्प नहीं कर रहा, उल्टा रीइन्फोर्स करने में मदद दे रहा है। तो यहाँ पे मीडिया को चाहिए कि वो कम्युनिटीज को प्रमोट करे, पहली तो बात ये आ गई। इसके अंदर आपका जो चैनल है ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। दूसरी जो चीज़ है वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के अंदर आपका एक्सचेंज प्रोग्राम आ जाता है, जैसे रिजवान भाई ने बात की कि हम स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम्स करें,
तो वो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट प्लस रीजनल कनेक्टिविटी के अंदर एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तीसरी चीज है इकोनॉमिक्स। जियो इकोनॉमिक्स को अगर हम देखें तो पाकिस्तान अपना पोटेंशियल देखे कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिकल पोटेंशियल क्या है जिसको मैं अवेल कर सकता हूँ, और इंडिया देखे कि पाकिस्तान के अंदर क्या इकोनॉमिकल पोटेंशियल है जो मैं अवेल कर सकता हूँ। तो ये स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन को नीचे रखें और इकोनॉमिक पोटेंशियल को ऊपर ले आए। तो जब ये इकोनॉमिक पोटेंशियल को और इकोनॉमिक बेनिफिट्स को ऊपर लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली हम जो एक चीज़ है राइवलरी वाली वो थोड़ी सी नीचे दब जाएगी। और इस वक्त भी हम अगर ग्लोबली देखें तो यही हो रहा है, हर कोई अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देख रहे, अपनी जो पास्ट है उसको नीचे रख रहे और पीछे दबा रहे। तो मेरे ख्याल में जो इकोनॉमिक्स है ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकती है, मगर यहाँ पे आ जाती है सिंसियर लीडरशिप, क्या आपकी लीडरशिप, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजंस उन्होंने ही लेने हैं। तो अगर एक वाइज और प्रैक्टिकल लीडरशिप है आपकी जो प्रैग्मेटिक सोच रखती है, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी होगा ये देखना। तो जैसे हमें कुछ स्टेप्स पास्ट में देखने को मिलते हैं, कॉम्पोजिट डायलॉग चला, अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया, फिर नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ साहब का जो एक्सचेंज चलता रहा आपस में इन दोनों का, वो बहुत एक अच्छी चीज़ थी। इसको लेकर अगर हम चलते तो हमें कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती थी। तो लीडरशिप की जो डिसीजंस हैं और उनकी मेंटेलिटी वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। आखिरी चीज़ आती है कि हम दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं, तो न्यूक्लियर का अगर हम देखें, न्यूक्लियर एरिया के अंदर CBMs बहुत ज़रूरी हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ऑलरेडी कुछ एग्जिस्ट भी करते हैं जिसके अंदर यह है कि पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक करता है तो इंडिया को इन्फॉर्म करना है, अगर इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट अगर पाकिस्तान कोई मिसाइल टेस्ट करता है तो इंडिया को हम इन्फॉर्म करते हैं, इंडिया करता है तो हमें इन्फॉर्म करते हैं। इसको मजीद बढ़ाने की जरूरत है, इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है, एक प्रॉपर पॉलिटिकल लेवल पे इतना ज़्यादा हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर लें कि हम एक दूसरे से थर्ड फील ना करें। ये मेरा न्यूक्लियर को लेके पॉइंट है। तो आई गेस अगर हम इनको लेके चलें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब कुछ देखने को हमें मिल रहा है, ये प्रैक्टिकल हुआ है। यूरोप ने अपने डिस्प्यूट्स को ख़त्म करके यूरोपियन यूनियन बनाई, और वो हमारे से भी फेयर्स किस्म के डिस्प्यूट्स थे, और अब मजे की बात देखें उनकी कॉमनैलिटीज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी आपस में। हमारी तो लैंग्वेज की कॉमनैलिटी है, हमारे कल्चर की कॉमनैलिटी है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है अगर हम करना चाहें जी, आप लोगों ने जितने सारे पॉइंट्स बताए हैं मैंने इन सबको नोट किया है, एंड आई एम श्योर जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, हो सकता है हमारे लीडिंग थिंक टैंक्स जो हैं वो भी ये प्रोग्राम देखें। मैं बहुतों के साथ शेयर भी करूंगा कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो क्या सोचती हैं। आप कौम के बड़े हैं, आप भी ज़रा देख लें कि हमारी क्या सोच है, हम किस तरफ जाना चाहते हैं, और आज के कि जो पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है वो हमारे मसले मसाइल को किस तरह से देखती है। आपने ज़्यादातर जो बातें की हैं उनमें से अगर मैं एक या दो बातों पे अगर मैं एक्सपेंड करूं तो एक तो मीडिया की बात है। मीडिया बिल्कुल एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सकती है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, लेकिन अगर हम देखें दोनों तरफ इस वक्त हमारे मीडिया पे एक शोर है हर रोज़ प्राइम टाइम पे कहीं ना कहीं पे इंडिया के अंदर पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर इंडिया की बैशिंग हो रही होती है, और हमारी तरफ तो कुछ ज़्यादा ही हो रही होती है, लेट मी ऑल्सो एडमिट दैट। हमारी तरफ जिस टोन में मीडिया के अंदर बात की जाती है वो कोई एक अच्छी इंसानों वाली कोई टोन तो नहीं है, मैं इस बात को एडमिट करता चलूँ। कुछ प्रोग्राम्स मैंने अभी हाल ही में देखे हैं, वो क्या करें, अब ये एक रिएक्शन है जो पिछले 70 साल का हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है, मगर हमें चाहिए कि हम सेन वॉइसेस को सुने। तो कंसिडर दिस एज योर ओन प्लेटफॉर्म, ये हमारा एक सांझा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम अपनी बात यहाँ पे रखें। और देखें जी, पॉपुलर बात करना तो बहुत आसान है, इमरान खान साहब ने भी बड़े पॉपुलिस्ट नारे लगाए हैं, हमारी तरफ के सियासतदान भी जो हैं वो भी लगा रहे हैं पिछले कुछ सालों से, लेकिन इस पॉपुलिज्म के दौर में अनपॉपुलर बात करना और उसको ना सिर्फ करना बल्कि उसको सुन के और कहीं ना कहीं पे डाइजेस्ट करना, वो भी एक बहुत बड़ी एक बात है जो कि हमारे आवाम को समझने की ज़रूरत है। अगर यही प्रोग्राम हमने ना पूरा एक हाइपर मोड में किया होता, एक दूसरे की तरफ चिल्ला रहे होते और यूं कर रहे होते तो मुमकिन है लोग तालियां बजाते, वाह जी बड़ा मज़ा आ गया, मगर इस तरह ये अनपॉपुलर बातें हैं जो हम कर रहे हैं। तो वक्त आ गया है कि हम लोग अनपॉपुलर बात करें। महात्मा गांधी को दुनिया आज भी याद करती है,
आपने भी देखा होगा, बराक ओबामा से लेके और नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग तक हर कोई उनको कोट करता है। कोट इसीलिए करता है कि जब दुनिया के अंदर हर मुल्क नेशनलिज्म के नाम पे दूसरे के साथ लड़ रहा था, पूरी दुनिया के अंदर एक जंगी जुनून था, ऐसे वक्त में महात्मा गांधी ने पीस और नॉन वायलेंस की बात, तो एक अनपॉपुलर बात करना और उस अनपॉपुलर बात को पॉपुलर बना देने वाले को ही तारीख याद करती है। फिर हिस्ट्री की आपने बात की, तो हो सकता है कि आपको आज से पहले कभी किसी ने बताया नहीं हो, लेकिन मैं विद माय हैंड ऑन माय हार्ट मैं आपको ये बात बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर कम से कम मैं जिन स्कूलों के अंदर पढ़ा हूं या हमारा जो भी तालीम का जो हमारा निसाब है उसके अंदर हमें कभी भी पार्टीशन की जो एक वायलेंट हिस्ट्री है उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जितनी भी जंगें हुई हैं उन सब के बारे में कभी नहीं पढ़ाया जाता। हमें बिल्कुल भी नहीं पता था स्कूल डेज के अंदर कि हमारे पीछे इतना कुछ हो गया था, दैट टू इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जब खबर कोई खबर नहीं रह गई है, इधर कुछ हुआ दो मिनट के अंदर बात पूरी दुनिया में फैल जाती है, हमें कभी नहीं पढ़ाया गया। शायद यही वजह है कि हमने शुरुआती 65 साल अपने बड़े ठीक ठाक अच्छे खासे गुजारे। अगर हमारे स्कूल में ये चीज़ें बताई जाती कि भाई 65 की जंग में पाकिस्तान की तरफ से जो जो भी जनरल था उसका नाम अयूब खान था, तो मुमकिन है कि कोई बच्चा खड़ा होके कहता कि यार मेरी क्लास में तुम भी पढ़ते हो, तुम्हारा भी नाम भी कोई मकसूद खान है, या तुम भी अयूब खान हो, या तुम्हारा नाम जो है सलीम है। तो एक दूसरे को वो बच्चे शक की नज़र से देखते। शायद हमारे बड़ों में इतनी अकल थी कि उन्होंने ये चीज़ें हमसे दूर रखी, एंड राइटली सो। लेट मी ऑल्सो एड दैट। तो हमें मीडिया की बातों को नज़रअंदाज करना होगा। मीडिया की अगर माने तो वो ये हमें हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की आवाम को, एक दूसरे के मुल्कों को हर रोज़ शाम को प्राइम टाइम शोज के अंदर मार के सोते हैं, पर गेस व्हाट, अगले दिन सुबह होती है और हम फिर खड़े हो जाते हैं और वो फिर इसी जद्दोजहद में लग जाते हैं कि यार कैसे हम इनको ख़त्म करके सोएं, और ये सिलसिला जो है हर रोज़ चलता रहता है। तो ना ही तो पाकिस्तान कहीं जा रहा है, ना ही बड़े सगीर के मुसलमान कहीं जा रहे हैं या हिंदू कहीं जा रहे हैं, हम सब ने रहना इसी धरती के ऊपर है। जब रहना यही है तो फिर ये भी तय कर लें कि हमने किस तरह से रहना है, अच्छे हमसायों की तरह रहना है या फिर पिछले 75 साल से हम जैसे रहते आए थे हमने वैसे रहना है। तो यही मैं कहूँगा जी एंड में कि आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, इट वॉज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। पाकिस्तान से नौजवान आएं और एक पैगाम दें, और वो भी इतना अच्छा मुस्बत पैगाम जो कि हमारे अपने लोगों को भी सुनने की ज़रूरत है। वन थिंग आई मस्ट से, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ हूँ आप लोगों से, आप वाकई में अच्छे डिप्लोमेट बनेंगे, इतनी तो मैं 100% जो है यहाँ से ये की टेक वे लेकर गया हूँ आज कि जी बहुत अच्छे आपने कल के जाके पाकिस्तान की आपने नुमाइंदगी करनी है। आप लोगों से गुफ्तगू का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आज आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच अरविंद, आपका भी हमें सुनने के लिए, हमारे व्यूज को आगे आवाम तक पहुंचाने के लिए और इंडिया के लोगों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू जी।